मेष राशि वालों के जीवन में कम से कम 10 घटनाएं घटित होने वाली है ग्रह गोचर के अनुसार। अब वो घटनाएं क्या होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली घटना के बारे में चर्चा करते हुए पहले मैं कुंडली दिखाना चाहूँगा। तो ये कुंडली आप देख रहे हैं, मेष राशि की कुंडली है। गुरु और चंद्रमा और राहु तीनों ग्रह आपकी राशि में ही अक्टूबर के महीने में बैठे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका स्वभाव कुछ अजीबोगरीब होने वाला है। आप उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्रदेव अक्टूबर के महीने में मालव्य योग बनाने वाले हैं मेष राशि का, तो इससे आपको फायदा होगा। बुध आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में बैठे हैं और केतु आपके सातवें भाव में बैठे हैं। ये ग्रह गोचर की स्थिति है। पहली घटना के बारे में बात करें तो गुरु चंद्रमा और राहु अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में आपकी राशि में बैठे हैं। तो आपका, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु ज्ञान का कारक है, शांति का कारक है, उसके साथ में राहु का आ जाना और मन का कारक चंद्रमा का साथ में मिलान हो जाना, यानी अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों को कोई नहीं समझ पाएगा। यानी आपका नेचर अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, सबको चौंकाने वाला है। कुछ आप ऐसे काम करेंगे कि सब कहेंगे हैं ये इन्होंने करा है, मान ही नहीं सकते। तो अनप्रिडिक्टेबल आपका नेचर रहेगा। कभी आप पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे, कभी आप पूजा पाठ को अंधविश्वास बताते हुए भी नजर आएंगे, कभी आप डरते हुए नजर आएंगे, कभी आप आत्मविश्वासी बनते हुए नजर आएंगे। यानी पल में तोलना पल में माशा, ऐसा आपका नेचर होने वाला है। कभी आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, पति पत्नी परिवार को खूब डांटने वाले हैं, कभी आप बहस करने वाले हो जाएंगे, कभी आप प्रेम और सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में भाई आपके क्रोध, आपके बहस, आपके दिमाग का कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी अक्टूबर का महीना आपका अनप्रिडिक्टेबल नेचर रहेगा। पहली घटना तो यही है। साथ ही साथ देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपके अंदर क्रोध ज़्यादा रहेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। आप दूसरी घटना के बारे में बात करें तो 3 अक्टूबर से मंगल और गुरु दोनों आमने सामने आ जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुरु तो आपके मेष राशि में बैठे हैं, मंगल भी तुला राशि को 3 अक्टूबर को आ जाएंगे, आमने सामने रहेंगे। सम सप्तक योग मंगल और गुरु का बनने वाला है। अब ये जो सम सप्तक योग बनेगा इससे देखा जाए तो आपके विदेश संबंधी काम सफल होते हुए नजर आएंगे, या विद्या संबंधी या गवर्नमेंट में कुछ एप्लीकेशन कुछ अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ वीजा या आपका गवर्नमेंट एप्लीकेशन का नज़र आएगा, या विदेश संबंधी आपको कोई खुशखबरी या कोई बड़ा काम आपका बन सकता है सम्सप्तक योग के कारण। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना ये है कि धन भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, और शुक्र देखा जाए तो शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा, 1 अक्टूबर को ही होगा और शाम के 4 बजे के बाद होगा। तो 1 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट फाइनेंस में अक्टूबर के महीने में मेष राशि को मिलने वाला है। यानी शुक्र जो है आपके पंचम भाव में बैठेंगे तो अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा क्या मिलेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अच्छा रिजल्ट ये है कि आपको धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी अचानक बन जाएगी, या अचानक ही धन संबंधी कोई लाभ आपको देके जाएगा। यानी कोई व्यक्ति आएगा, कोई जान पहचान से कोई व्यक्ति आएगा, आपको अच्छा लाभ दे सकता है, या आपको अच्छा खासा कमीशन प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र सिंह राशि में जब भी बैठ जाते हैं तो व्यक्ति अपनी कामुकता पे, भोग विलासता पे बहुत पैसा खर्च करता है। यानी आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पर आपको अचानक धन लाभ भी हो रहा है अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर के महीने में आप कामुकता या भोग विलास में आके खूब सारा धन खर्च भी कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप फिजूल खर्ची भी अक्टूबर में मेष राशि वाले कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चौथी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं। चंद्र राहु जब भी एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं विष योग बनता है। तो घर के अंदर चोरी का योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है। जब भी आप अक्टूबर में
5-7 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो घर में ताला सिर्फ लगा के ना जाएं, किसी को घर में रख के जाएं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपका चोरी का योग बन रहा है, तो थोड़ा आपको सावधान रहना है। अगर आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी हो सकती है मित्रों। तो ऐसे में अक्टूबर के महीने में कहीं भी आप दूर जा रहे हैं 5-7 दिन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो पांचवी घटना का संबंध है संतान से संबंधित। जो मेष राशि वालों की छोटी बड़ी संतान है उनसे देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य अक्टूबर के महीने में संतान से संबंधित आपको या संतान को मिश्रित फल दे सकते हैं। यानी 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो सूर्यदेव कन्या राशि में रहेंगे 17 तारीख तक और छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव रोग भाव होता है, तो संतान को ENT की प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, कफ से संबंधित सर दर्द की परेशानी या वायरल इन्फेक्शन रह सकता है संतान को। 18 तारीख से लेकर और 30 अक्टूबर के बीच में अगर देखा जाए तो छोटी संतान का तो नॉर्मल है, क्योंकि देखा जाए तो 18 तारीख से 31 तक सूर्यदेव छठे भाव से निकल के देखा जाए तो 7वें भाव, जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ आ जाएंगे। और बड़ी संतान को देखा जाए तो ऐसे में सूर्य और केतु एक साथ मिलेंगे, तो बड़ी संतान यानी 18 प्लस जो भी संतान है उनको 18 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक वाहन चलाते हुए सावधानी रखनी है। वाहन से छोटा मोटा एक्सीडेंट के योग नज़र आ रहे हैं, वाहन से चालान के योग नज़र आ रहे हैं। करियर में अक्टूबर का महीना, चाहे विद्या में अक्टूबर का महीना अच्छा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक जब सूर्य कन्या राशि में रहेंगे तो संतान को ENT हेल्थ की प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन रह सकता है छोटी बड़ी संतान को। और 18 से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो संतान को वाहन चलाते हुए भाई सावधानी रखनी है। तो हेल्थ के लिए अक्टूबर का महीना, चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, उनके लिए अच्छा नहीं। यदि आपकी संतान नहीं है तो ये नियम स्वयं आप पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप कुंवारे हैं तो आपको सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं छठी घटना की। तो छठी घटना मेष राशि वाले विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए, यानी अक्टूबर का महीना जो मेष राशि वाले स्टूडेंट हैं उनको नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब भी बुध देखा जाए तो तुला या कन्या राशि में होते हैं, या कन्या और तुला दोनों ही बौद्धिक राशि होती है, ऐसे में देखा जाए तो रुचि डेवलप हो जाती है। यानी इच्छा शक्ति और रुचि, आपकी इंटरेस्ट जागृत होता है। ऐसे में व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, सीखने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुछ ना कुछ विद्यार्थी नया सीखने वाले हैं, या तो ऑनलाइन सीखेंगे या नया कुछ सब्जेक्ट का सीखने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्लास आप लेने वाले हैं। तो कुल मिला के नया अक्टूबर में आपके जीवन में कुछ सीखने की, स्टूडेंट के जीवन में शुरुआत होगी। जब भी सूर्य कन्या और तुला में होते हैं तो ऐसा ही होता है जीवन में, याद रखिएगा। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो भाई नौकरी वालों पे, जितने भी मेष राशि वाले हैं वो ध्यान से सुने, वो नौकरी वालों पे घटित होगी। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, और ख़ासकर जब अच्छा रहेगा जब तक बुध आदित्य योग बनाए, यानी सूर्य और बुध एक साथ कन्या राशि में रहेंगे और ये रहेंगे 1 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर तक सूर्य और बुध कन्या राशि में रहेंगे। तो जो जितने भी मेष राशि वाले हैं उनको नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, और ये जो 18 दिन है आपकी परफॉर्मेंस ऑफिस में सबसे बेहतर रहेगी, ज़बरदस्त सेल रहेगी, बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, मैनेजमेंट आपसे प्रभावित रहेगा। भैया 18 दिन मेष राशि वालों का जादू ज़बरदस्त चलेगा जब तक सूर्य और बुध कन्या राशि में रहेंगे। फिर देखा जाए तो 19 से लेकर 31 अक्टूबर में वो तुला राशि यानी अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। यहाँ देखा जाए तो थोड़ा आप जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, याद रखिएगा। यहाँ पर जल्दीबाजी में काम करने से आपके काम में बड़ी गलतियाँ हो सकती है, अन्यथा नॉर्मल है। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध है दाम्पत्य जीवन में। यानी दो बड़े ग्रह पॉजिटिव है दाम्पत्य जीवन में। पहला देखा जाए तो सिंह राशि में शुक्र है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरा मंगल और गुरु का आमने सामने होने से समसप्तक योग बन रहा है। यानी मंगल देखा जाए तो तुला राशि में चले गए हैं और गुरु मेष राशि में, और एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि समसप्तक योग नज़र आ रहा है। तो इसका प्रभाव, इन दो पॉजिटिव चीज़ों का प्रभाव
दाम्पत्य जीवन में पड़ने वाला है। पहला देखा जाए तो मेष राशि के प्रेमी प्रेमिका लव कपल के लिए पूरा महीना अक्टूबर का देखा जाए तो आपका पार्टनर करियर से या अपने पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी अक्टूबर में आपको देने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर को पद धन का लाभ अक्टूबर के महीने में होगा, मंगल और गुरु के समसप्तक थे ये योग बन रहा है। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को उनके माता पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई मोबाइल कोई भौतिक वस्तु का लाभ, टीवी मोबाइल गाड़ी का लाभ आपके पार्टनर को हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनके लिए तो अक्टूबर का महीना अच्छा है। बात करें पति पत्नी के बारे में तो 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो पार्टनर का देखा जाए पार्टनर आपको संतान संबंधी कोई खुशखबरी दे सकता है या संतान से रिलेटेड कोई खुशखबरी पार्टनर के थ्रू आपको मिलेगी जिससे आप खुश हो जाने वाले हैं। साथ में जो संतान है उनकी पीठ थपथपाने वाले हैं, संतान पे गर्व महसूस करने वाले हैं और वो खुशखबरी आपको पार्टनर के थ्रू ही अक्टूबर में मिलने वाली है। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर को कोई सोना चांदी का लाभ होगा या तो पार्टनर को कोई सोना चांदी दिलाने वाला है। अब वो कौन दिलाने वाला है समझ तो आप गए होंगे, यानी पार्टनर को सोना चांदी का लाभ होगा। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो भाई ये व्यापारी वर्ग पे हो रही है, यानी कि देखा जाए तो अक्टूबर का महीना व्यापारी वर्ग का नॉर्मल मंथ है, फिर भी दो भागों में बटा है, यानी 1 तारीख से लेकर और 14 अक्टूबर तक देखा जाए तो व्यापारी लोग नोट गिनने में ऑर्डर गिनने में बिजी रहेंगे, बिजी रूटीन रहेगा, धीमे धीमे काम की उन्नति होगी, यानी धीमे धीमे 14 अक्टूबर तक व्यापारी दुकानदार बहुत बिजी रहने वाले हैं, यानी कि सेल तो होगी उसके हिसाब से आप बिजी भी रहेंगे। 14 अक्टूबर तक सांस लेने की आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, 1 अक्टूबर से 14 तक हर व्यापारी हर वर्ग बिजी रहेगा। फिर 15 अक्टूबर के बाद देखा जाए तो शनि का ड्रास्टिक चेंज होगा, शनि धनिष्ठा नक्षत्र में यानी मंगल के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में शनि देव चाहेंगे। तो 15 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो व्यापारी वर्ग की किसी के जान पहचान के थ्रू कोई बड़ी डील करा सकता है, बड़ा काम दे सकता है, बड़ी कंपनी से आपका टाई अप करा सकता है। तो 15 से 31 अक्टूबर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपकी दुकान आपके काम में आने वाला है। तो कुल मिला के 15 से 31 अक्टूबर व्यापारी के लिए ज़बरदस्त बदलाव वाला रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी। जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉरस वृषभ राशि के मंथली राशि फल यानी अक्टूबर 2023 के अंदर वृषभ राशि के ग्रह गोचर अनुसार देखा जाए तो 9 घटनाएं विचित्र घटनाएं घटित हो रही है। पूरे मंथ में 9 ऐसी घटनाएं होंगी जो वृषभ राशि को हैरान परेशान कर सकती है। इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहला देखा जाए तो वृषभ राशि की मंथली ये कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है। पहला तृतीय भाव में शुक्र बैठे हैं, पंचम भाव में सूर्य बुध और मंगल विराजमान है, छठे भाव के अंदर केतु तुला राशि के बैठे, शनि वक्री होके कहीं ना कहीं देखा जाए तो दशम स्थान में बैठे हैं और गुरु भी वक्री होके चंद्रमा राहु के साथ में गुरु चंडाल दोष कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में बना रहे हैं और इसका कुछ फायदा कुछ लाभ भी होगा। दो ग्रह अक्टूबर के महीने में समसप्तक योग बनाएंगे, मंगल और गुरु का समसप्तक योग, शुक्र और शनि का समसप्तक योग भी बनेगा, उसका बड़ा फायदा होगा वृषभ राशि को। पूरी डिटेल में ये कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले देखा जाए हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो हेल्थ के बारे में ये जो महीना है दो भागों में वृषभ राशि का बटेगा, 1 तारीख से लेकर और 10 अक्टूबर तक देखा जाए तो शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र सिंह राशि में 1 अक्टूबर को शाम को 4 बजे कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ठंडा गर्म, क्योंकि शुक्र को ठंडा ग्रह कहा जाता है ज्योतिष के अनुसार, और वो गर्म राशि अग्नि तत्व राशि सिंह राशि में जाएंगे, ठंडे गर्म की समस्या वृषभ राशि में होगी। तो त्वचा संबंधी प्रॉब्लम खुजली की या इन्फेक्शन की समस्या या ठंडी चीज़ों से आपको 10 दिन परहेज रखना होगा, नहीं तो गला बैठ जाएगा, ENT की समस्या रह सकती है। तो
तो 10 अक्टूबर तक आपको परहेज रखना है, याद रखिएगा। और 11 तारीख से 31 अक्टूबर तक देखा जाए, फिर आप जो चाहे वो खा सकते हैं, यानी कि ठंडा भी ले सकते हैं, यानी यहाँ से आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बस 10 दिन परहेज कर लीजिएगा। धन की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर के महीने में धन भाव के जो स्वामी है, 3 नंबर लिखा है, वो बुध है। और बुध पूरे अक्टूबर के महीने में 2 महत्वपूर्ण राशि यानी में भ्रमण करेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो कन्या राशि के अंदर बुध रहेंगे, वो अपनी स्वराशि है, फिर तुला राशि के अंदर चले जाएंगे जो अपनी मित्र की राशि है। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना वृषभ राशि को 3 जगह से धन संबंधी बड़ा लाभ मिल सकता है। और क्योंकि बुध देखा जाए तो कन्या और तुला में रहेंगे, दोनों ही राशियां फाइनेंस की राशि होती है, बौद्धिक राशि होती है, कहीं ना कहीं धन के लाभ वाली राशि होती है, तो यहां पर आपको लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं, पहला देखा जाए तो 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक देखा जाए बुध आदित्य योग बनेगा, सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे, साथ में मंगल भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मंगल और बुध की शत्रुताएं हैं, यानी कि कुछ नफा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा। अल्टीमेटली 17 दिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बातों में आपको परहेज रखना है और कुछ बातें अच्छी होगी। पहला देखा जाए तो अचानक धन संबंधी कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई कमीशन का काम लेके आ सकता है, कोई एक्स्ट्रा वर्क आपके पास मिल सकता है। तो ये 17 दिन देखा जाए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा नजर आ रहा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो रुका हुआ जो धन है, जो मार्केट से फंसा हुआ धन है, आपको कॉल जरूर करना पड़ेगा, उस व्यक्ति से मीटिंग जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन रुका हुआ धन आपको किस्त में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं तो क्रोध नहीं करना है, जिससे धन लेना है उससे प्यार प्यार में काम निपटाना है। अगर आपने क्रोध किया या जबरदस्ती की तो काम बिगड़ भी सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल भी बैठे हैं। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि आपको अगर मार्केट से धन लेना है, किसी व्यक्ति से धन लेना है, तो बड़े शांति से 2-3 मीटिंगें करें, अपने साथ में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति ले जाएं, मीटिंग करें, कहीं ना कहीं आपकी धन वापसी में आपको सहायता मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको कमीशन के काम से भी लाभ होगा, कोई व्यक्ति बड़ा काम लेके आ सकता है जिसकी कमीशन आपको मिल सकती है, अपने जान पहचान कॉन्टैक्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो 3 तो बड़ी घटनाएं, साथ ही साथ जो मंगल यहाँ पर कन्या राशि के अंदर बैठे हैं, शत्रु राशि के अंदर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में वृषभ राशि का कहीं ना कहीं बिजली पे खर्चा, उपकरण पे खर्चा, या वाहन पे धन खर्च हो रहा है, या फिर संतान या घर पे कुछ ना कुछ धन खर्च होगा, कुछ भाई बहनों पे खर्च होगा, यानी खर्चा भी आपका अक्टूबर के महीने में लगा रहेगा, लेकिन धन लाभ धन का फ्लो अच्छा है। उसके बाद देखा जाए 18 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक बुध चले जाएंगे तुला राशि में, तुला राशि में जाने पर आपको काम, बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा कोई धन लाभ करवा सकता है, यानी कि धन संबंधी कोई बड़ा लाभ आपको 17 से लेकर और 31 अक्टूबर के बीच में मिल सकता है, धन संबंधी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो देखा जाए तो 17 दिन कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है, कुछ सावधानी आपको बरतनी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी परिवार भाव में, यानी पूरा का पूरा महीना यानी अक्टूबर के महीने में शुक्रदेव सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो सिंह राशि में चतुर्थ भाव में जब शुक्र रहते हैं तो परिवार के अंदर अच्छा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। परिवार के अंदर, फैमिली मेंबर के अंदर कोई सदस्य, कोई फैमिली मेंबर खुशखबरी सुना सकता है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर का रुका हुआ काम, भाई बहन, माता पिता, जो भी आपकी फैमिली मेंबर है उनका बनता हुआ नजर आ रहा है, शादी विवाह या पार्टी फंक्शन में परिवार के साथ में जाने का मौका मिलेगा, कुछ दिन साथ में बिताने का मौका मिलेगा, गिले शिकवे आपके दूर हो रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वाहन पर और मोबाइल पर धन खर्च होगा, कोई फैमिली मेंबर वाहन खरीदेगा या मोबाइल खरीदेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो शुक्र चतुर्थ में होना फैमिली मेंबर आपकी फैमिली के लिए बड़ा लाभकारी है। इसी प्रकार से चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी संतान पक्ष में, क्योंकि संतान पक्ष में सूर्य, बुध और मंगल बैठे हैं कन्या राशि में, आप देख सकते हैं 6 नंबर जहां लिखा है, तो कहीं ना कहीं संतान की करियर और विद्या के लिए अक्टूबर का महीना काफी अच्छा रहेगा। संतान को अपनी एक्टिविटी के लिए कोई मेडल, कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट या
टीचरों से तारीफ मिलने सुनाई देगी। संतान का फोकस अपने करियर में होगा, चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है, उनका अपनी विद्या अपनी करियर में अच्छा फोकस होगा। जो बड़ी संतान है 18 प्लस संतान है तो उनका देखा जाए नया काम के योग नजर आते हैं या स्थान परिवर्तन या नए वर्क उनको अक्टूबर के महीने में मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो मंगल और बुध भी कन्या राशि में बैठे हैं तो हेल्थ के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा कष्टकारी रहेगा। छोटी बड़ी संतान को बुखार की प्रॉब्लम, वायरल प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम अक्टूबर के महीने में रह सकती है। यानी हेल्थ की यदा कदा छोटी मोटी प्रॉब्लम भाई छोटी और बड़ी संतान को रहने वाली है। करियर के लिए अक्टूबर का महीना बड़ा लाभकारी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना दो भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो आपके करियर में जबरदस्त ग्रोथ होगी। माता पिता से आपको कोई धन लाभ कोई गिफ्ट मिलने वाला है। सरकारी कार्यों में आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। तो ये जो 17 दिन है स्टूडेंट के लिए बहुत लाभकारी हैं। 18 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो करियर के लिए विद्या के लिए समय अच्छा है। जो आप डेली रूटीन रख रहे हैं वही है, लेकिन 18 से लेकर 31 अक्टूबर तक हेल्थ में स्टूडेंट को ध्यान देनी है। कहीं ना कहीं आपके चोट के योग नज़र आ रहे हैं, आपको गुम चोट लग सकती है, कमर दर्द की समस्या, एलर्जी या इन्फेक्शन की समस्या से आप 18 से 31 अक्टूबर में परेशान रहने वाले हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं, तो नौकरी अक्टूबर के महीने में क्या करियर में बदलाव होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी शुक्र है और शुक्र और शनि का सम सप्तक योग देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में बन रहा है। और शुक्र और शनि का जो सम सप्तक योग बनेगा वो देखा जाए तो करियर में नई ऊंचाई देने को देगा आपको। यानी करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन अक्टूबर के महीने में नज़र आ रहा है। या तो आपके बड़ी कामयाबी बड़ी सफलता अक्टूबर के महीने में हाथ लग सकती है, बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, कोई मैनेजमेंट या नई जॉब का बड़ी जगह से आपको ऑफर प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऑफिस के अंदर आपकी डिमांड आपकी मांग आपको मनोमुताबिक वर्क दिया जा सकता है। आपका आपकी सेल भी अच्छी रहेगी ऑफिस के अंदर अक्टूबर के महीने में। आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपकी बॉस आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं शुक्र और शनि का जो आमने सामने आ गए हैं उनका जो सम सप्तक योग बना है आपके लिए बड़ा लाभकारी है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन के, तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो मंगल 3 अक्टूबर से देखा जाए तो कन्या राशि यानी शत्रु राशि को छोड़ के और मित्र राशि यानी सम राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि पिछले 2-2.5 महीने में जो वाद विवाद चल रहे थे वृषभ राशि के अपने प्रेमी प्रेमिका से, पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा था, उन रिलेशन में सुधार होगा। यानी दाम्पत्य जीवन में अब पॉजिटिव शुरुआत होंगी, पॉजिटिव रास्ते आपको दिखाई देंगे। पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो रिलेशन देखा जाए तो 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानी पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, आपका पार्टनर आपकी पल पल में सहायता करेगा और जो भी वाद विवाद थे उसको बैठकर आप सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर का देखा जाए कहीं ना कहीं अचानक थाने या पुलिस स्टेशन के चक्कर लग सकते हैं, उनको काटने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आएगा। वहां पर आपके पार्टनर का आपको भरपूर साथ देखने को मिलेगा, आपका पार्टनर का चालान कट सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पार्टनर की छोटी बड़ी परेशानी में आप साथ देते हुए नजर आएंगे, साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे और जिससे कि विश्वास और गहरा होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में आपके पार्टनर के साथ में कुछ परेशानियां लिखी है, लेकिन वो जो परेशानियां वो सॉल्व भी होंगी और आप दोनों के प्यार प्रेम को और मजबूत करेगी। इसी तरीके से पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपके भी बीच में रिलेशन में सुधार होगा और पार्टनर आपको इम्प्रेस करने का भरपूर कोशिश करेगा, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएगा और आपकी हर बात में हाँ मिलाने वाला आपका पार्टनर, आपकी ज़बरदस्त तारीफ करने वाले हैं और आप भी अपने पार्टनर को खूब सपोर्ट करने वाले हैं। आप दोनों काम को साझा करने वाले हैं, कोई पार्टी का प्लान करने वाले हैं, फैमिली और दोस्त मित्र को आप कोई पार्टी देने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है।
लेकिन जो अक्टूबर का महीना है आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनर को इन्फेक्शन की समस्या, माइग्रेन की हल्की फुल्की समस्या रह सकती है, उसको भी सॉल्व करने के लिए आप पार्टनर के टेस्ट करवाने वाले हैं, उनको डॉक्टर के पास ले जाने वाले हैं और उनको उनके ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने में जोर देने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आप दोनों के बीच में बाउंडेशन अक्टूबर के महीने में अच्छी हो रही है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का अक्टूबर का महीना देखा जाए तो प्रॉब्लम है तो पार्टनर के साथ में फिजिकल या मेंटली है, लेकिन आप दोनों मिलकर सॉल्व करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो दशम भाव में शनि देव बैठे हैं, वक्री बैठे हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र आ गए हैं। यानी दशम भाव में शनि बैठे हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र आ रहे हैं और दोनों की आमने सामने दृष्टि है। यानी शनि की शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है, जो समसप्तक योग बन रहा है, कहीं ना कहीं जो कारोबार करते हैं, जो शोरूम जो चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनके काम में अच्छी स्थिति आ जाएगी। काम के अंदर कोई अच्छा सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा, कोई रास्ता आपके काम के अंदर निकलेगा, काम में अचानक वृद्धि होगी, कोई व्यक्ति आपको बड़ा ऑफर दे सकता है, बड़ा काम दे सकता है, यानी कि कुछ ऐसी घटना होगी कि आपका काम अब तेजी से चलने लगेगा। तो कुल मिला के जो शुक्र और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, आपके व्यापार, आपकी दुकान के लिए बड़ा लाभकारी स्थिति अक्टूबर के महीने में रहेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जैमिनी यानी मिथुन राशि के मंथली राशि फल के बारे में, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, प्रेम की स्थिति और क्या ग्रह रंग लाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 9 घटनाएं मिथुन राशि की अक्टूबर के महीने में बन रही है। अब वो 9 घटनाएं क्या, इसके लिए पूरा कार्यक्रम डिटेल में देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अक्टूबर का महीना मित्रों बड़ा खास है, ज्योतिषीय घटनाएं, 3 बड़ी ज्योतिषीय खगोलीय घटनाएं घटने जा रही है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात करें तो 14 अक्टूबर को भाई सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है अक्टूबर के महीने में। 28 अक्टूबर को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। 18 साल बाद राहु और केतु दोनों ग्रह अगर देखा जाए तो राशि का परिवर्तन कर रहे हैं और 18 साल बाद वो जो राशि में जा रहे हैं, वो 18 साल बाद जा रहे हैं, आपके लिए कैसे रहेंगे मिथुन राशि वालों ने जाना। यदि नहीं जाना तो इसकी वीडियो बन चुकी है, स्क्रॉल डाउन करके फेसबुक यूट्यूब में वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बड़ा गाइड मिलेगा, आपको बहुत लाभ उससे मिलने वाला है। तो वो वीडियो जरूर देखें, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन जरूर देखें। चलिए अब बात कर लेते हैं अक्टूबर के मंथली राशि फल की। और मंथली राशि फल की ये कुंडली आ रही है, मिथुन राशि की कुंडली है। देखिएगा, तृतीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं अक्टूबर के महीने में, मंगल बुध और सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान है, केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान है और शनि आपके नवम भाव में, जहाँ 11 लिखा है वहाँ पर विराजमान है। तो कुल मिला के ग्रह गोचर से बहुत सारी घटनाएं अक्टूबर में घटित हो रही है। उनमें से पहली घटना के बारे में बात करें तो लगन के स्वामी यानी आपके लगन के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं। यानी कुछ अच्छा कुछ बुरा रहेगा, यानी अक्टूबर के महीने में 3 घटनाएं शुभ और 1 घटना अशुभ होगी। अब वो कौन कौन सी होगी चर्चा कर लेते हैं। पहला अगर देखा जाए तो आपको किसी सामाजिक संस्था से मिथुन राशि को अक्टूबर के महीने में आपके किए गए कार्य के लिए कोई सम्मान मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी सामाजिक संस्था से कोई पुरस्कार भाई आपको अक्टूबर के महीने में मिल सकता है। दूसरी घटना के बारे में बताया तो अक्टूबर के महीने में अचानक किसी बड़े व्यक्ति से, सेलिब्रिटी से, राजनीतिक सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है। तीसरा देखा जाए तो पुराने मित्रों के साथ में आप एकदम से कोई पार्टी कर सकते हैं, कोई मुलाकात आपके पुराने बचपन के मित्रों से हो सकती है या पुराने मित्रों के साथ आप कोई प्लान कर सकते हैं, ऐसा योग देखा जाए तो अक्टूबर में बन रहा है। और अशुभ घटना के बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने में भाई मिथुन राशि को कमर दर्द की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है। खासकर 5 अक्टूबर से लेकर और 15 अक्टूबर तक आप हेल्थ से संबंधित परेशान रह सकते हैं।
दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी यानी फाइनेंस के स्वामी आपके चंद्रमा है, और चंद्रमा अक्टूबर के महीने में गुरु और राहु के साथ में बैठे हुए हैं, तो तीन घटनाएं आपके फाइनेंस में अच्छी रहेंगी और एक अशुभ घटना भी आपके फाइनेंस में होगी। चलिए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो शुभ के बारे में बात करें तो पहला देखा जाए तो पहली घटना क्या होगी कि चंद्रमा कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं, गजकेसरी योग गुरु के साथ में बना रहे हैं, तो भाई अक्टूबर के महीने में आपके ऑफिस में आपकी धन की वृद्धि तो होती है, यानी धन तो आपको बढ़ चढ़ के मिलने वाला है। पहली घटना ये क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपके बनेंगे, कोई व्यक्ति कोई जान पहचान से आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपके डेवलप हो जाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बनते हैं, दूसरी घटना ये। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो रिश्तेदार या मित्रों से कोई बड़ा गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है, तो तीन चीज़ें गज केसरी की योग के कारण बन रहा है, लेकिन उसके साथ में राहु भी बैठा है अक्टूबर में, तो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते समय अक्टूबर के महीने में आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सोना चांदी आपका गुम हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तीन घटनाएं शुभ हैं फाइनेंस के लिए और एक घटना आपके लिए अशुभ है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना आपके जीवन में परिवार भाव से संबंधित होगी। परिवार भाव में सूर्य बुध और मंगल बैठे हैं, यानी दो ग्रह तो शुभ है, मंगल या अशुभ है, तो दो घटनाएं शुभ होंगी, एक घटना परिवार से संबंधित अशुभ होंगी। तो दो घटनाएं शुभ क्या होंगी इसके बारे में बात करें तो परिवार में माता पिता या भाई बहन के धन में वृद्धि होगी या पद में अक्टूबर के महीने में वृद्धि की न्यूज़ आप तक सुनाई देगी, साथ ही साथ किसी का सरकारी काम बन सकता है। लेकिन एक अशुभ घटना क्या होगी कि बिजली पे आपका खर्चा होगा, उपकरण पे आपका परिवार में खर्चा होगा या वाहन पे खर्चा हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है क्योंकि मंगल यहाँ अशुभ है। चौथी घटना का संबंध उनका है जिनकी मिथुन राशि की संतान है, तो संतान भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं, यानी कि बड़े शुभ योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो छोटी संतान का पूरा अक्टूबर का महीना विद्या के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। छोटी संतान को कोई गिफ्ट प्राप्त होगा या कोई इच्छा आप उनकी पूरी कराने वाले हैं, यानी छोटी संतान खुश रहेगी। बड़ी संतान के बारे में बात करें जिनकी उम्र 17 से बड़ी है तो पूरा अक्टूबर का महीना मित्रों के साथ में अक्टूबर के महीने में कहीं हिल स्टेशन में घूमने जाने के कहीं सैर करने के अक्टूबर के महीने में योग बनते हैं। करियर में बड़ी संतान के पद लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, तो चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो दोनों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत लाभकारी है। इसी तरह से पांचवी घटना के बारे में बात करें तो वो स्टूडेंट के लिए इफेक्ट करती है, विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना देखा जाए बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के साथ में वक्त बिताने का मौका मिलेगा, माता पिता के साथ में हंसी ठहाके आप लगाने वाले हैं, साथ ही साथ माता पिता आपकी कोई इच्छा पूरी भी करने वाले हैं, कोई बड़ा गिफ्ट आपको जान पहचान या माता पिता से प्राप्त होगा, तो विद्यार्थियों के लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। छठी घटना के बारे में चर्चा करें तो छठी घटना उन लोगों पे इफेक्ट डालेगी जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, तो नौकरी भाव के स्वामी मंगल बुध और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मंगल बुध और सूर्य एक साथ बैठने से कहीं ना कहीं दो घटनाएँ शुभ होंगी और एक घटना नौकरी में करियर में अशुभ होगी। अब वो क्या क्या होंगी चर्चा कर लेते हैं। दो शुभ घटना देखा जाए तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में अचानक आपके पद में वृद्धि हो जाएगी, अचानक आपको बड़ी पोस्ट दी जा सकती है, धन में जबरदस्त वृद्धि होगी, साथ ही साथ मनपसंद प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, यानी जिस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार था वो प्रोजेक्ट अक्टूबर से आपको दिया जा सकता है। अशुभ घटना के बारे में बात करें तो किसी से या तो कलीग से या किसी व्यक्ति से आपकी जबरदस्त काम से संबंधित लड़ाई अक्टूबर के महीने में होगी, यानी लड़ाई भी होगी और कहीं ना कहीं धन में और पद में वृद्धि भी होगी। तो नौकरी में तो भाई अक्टूबर का महीना जबरदस्त उथल पथल वाला आपका रहने वाला है। अब सातवीं घटना के बारे में बात करें तो उसका असर दाम्पत्य जीवन में होगा
यानी दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु चंद्रमा राहु बैठे हैं, एक तरफ बृहस्पति गजकेसरी योग बना रहे हैं और एक तरफ बृहस्पति गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं, यानी दो घटनाएं शुभ होंगी और एक घटना अशुभ होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या शुभ और क्या शुभ होगा। तो प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, दोनों के बारे में एक साथ बता देते हैं। तो पहली घटना शुभ क्या होगी कि आपके पार्टनर के कैरियर में पद का लाभ हो रहा है, धन का लाभ हो रहा है, यानी चाहे पति पत्नी हो, लव कपल हो, चाहे पति चाहे आपके प्रेमी प्रेमिका हो, तो पार्टनर के करियर में तो अक्टूबर का महीना जबरदस्त अच्छा लाभ लेके आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर को सोना चांदी का लाभ होगा, या तो आप पार्टनर को कोई ऑर्नामेंट गिफ्ट करने वाले हैं, दिलाने वाले, या उनके माता पिता दिलाने वाले हैं, तो दो तो बड़े लाभ पार्टनर को मिल रहे हैं। अशुभ घटना के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर का भीड़ भाड़ में कोई वस्तु चोरी या हानि के भी अक्टूबर के महीने में लाभ के भी योग बन रहे हैं, तो कुल मिला के दो लाभ एक हानि पार्टनर की बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो आठवीं घटना है शनि और शुक्र का मिथुन राशि का देखा जाए तो समसप्तक योग भी बन रहा है अक्टूबर के महीने में, यानी शनि शुक्र आमने सामने ऐसे आ जाएंगे कि एक दूसरे पे दृष्टि होगी, जिस कारण से लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा का अक्टूबर में आप योजना बनाएंगे या होके आ जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा क्योंकि शुक्र और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। नवी घटना के बारे में बात करें तो उसका इफेक्ट उन लोगों पे होगा जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं, तो देखा जाए तो गुरु राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, यानी गुरु एक तरफ गजकेसरी योग भी अक्टूबर में बना रहे हैं और गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं, तो दो घटनाएं शुभ और एक घटना अशुभ होगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली शुभ घटना क्या होगी, काम में जबरदस्त तेजी हो जाएगी और साथ ही साथ आप कोई पूजा पाठ करके, कोई मंत्र करके, कोई टोना टोटका अपनाने के बाद आपके काम में जबरदस्त वृद्धि होगी, रुका हुआ काम भी आपको मिल रहा है, किसी गुरु की राय आपके लिए बड़ी सुटेबल होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, तो कुल मिला के दो घटनाएं अच्छी है। अशुभ के बारे में बात करें तो GST या सरकारी नोटिस आपको आ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी काम के लिए जो अक्टूबर का महीना है, दो घटनाएं शुभ और एक घटना अशुभ है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी, जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मंथली राशि फल, यानी अक्टूबर 2023 में कर्क राशि के साथ क्या घटनाएं घटित होगी, और देखा जाए तो आठ विचित्र घटनाएं, आठ अद्भुत घटनाओं का संयोग कर्क राशि के अक्टूबर के महीने में बनेगा, यानी आठ घटनाओं के योग बनते हैं ग्रह योगा योग से, वो कौन कौन सी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ज्योतिषीय दृष्टि से तीन बड़ी घटनाएं अक्टूबर के महीने में घटित हो रही है, यानी ब्रह्मांड के अंदर घटित हो रही है, जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, वो अक्टूबर का महीना रहेगा उसका साक्षी। पहली घटना क्या हो रही है, 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और दूसरी घटना देखा जाए तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, और 30 अक्टूबर को 18 साल बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कर्क राशि पे क्या प्रभाव है आपको मालूम नहीं है तो जल्दी स्क्रॉल डाउन करके YouTube Facebook चैनल में वो कर्क राशि वाली वीडियो देख के अपने जीवन की प्लानिंग बना ले, याद रखिएगा बहुत लाभकारी रहेगा। चलिए पहले हम कर्क राशि यानी कैंसीरियन के अक्टूबर के मंथली राशि फल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है भाई कर्क राशि की कुंडली है, शुक्र द्वितीय स्थान में बैठे हैं, मंगल बुध और सूर्य तृतीय भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, इसका कर्क राशि को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और चतुर्थ भाव में केतु महाराज बैठे हैं, और देखा जाए तो अष्टम भाव के अंदर शनि महाराज आ चुके हैं, अष्टम के अंदर है, और देखा जाए तो चंद्रमा गुरु और राहु, यानी कि यहाँ पर बृहस्पति अक्टूबर के महीने में दोगले होने वाले हैं, एक तरफ गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं जो खराब है, और एक तरफ गज केसरी योग भी बना रहे हैं जो अच्छा है। अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात करें तो पहली घटना का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी हैं देखा जाए तो वो दशम स्थान में बैठे हैं, गुरु राहु और चंद्रमा बैठे हैं, यानी आपकी लगन के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि गजकेसरी के साथ भी बैठे हैं और गुरु चंडाल दोष के साथ भी बैठे हैं, तो देखा जाए
तो अक्टूबर का महीना कर्क राशि की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको अक्टूबर के महीने में चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, मानसिक तनाव रहेगा, बेफालतू के बहम में आप फंस सकते हैं, बेफालतू की सोच में आप फंस सकते हैं। यानी ये जो 17 दिन है, खासकर 1 से लेकर और 17 अक्टूबर तक आप बड़े परेशान रहेंगे, आपका मन बहुत चंचल रह सकता है और फिजिकली प्रॉब्लम भी कर्क राशि को रहेगी। पेट की कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की समस्या भी 17 दिन रहेगी। यानी अक्टूबर के ये जो 17 दिन है, ये कर्क राशि के एक तो मेंटली हेल्थ के लिए ख़राब हैं और फिजिकली हेल्थ के लिए भी ख़राब है। तो ऐसे में कोई बड़ा निर्णय आप ना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 17 के बाद बाकी अगर देखा जाए 18 से लेकर 31 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा है, हेल्थ वेल एंड गुड है। यहाँ पर आप अपने काम को कर सकते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क जो मेंटल टेंशन वाला है उसको 17 अक्टूबर तक अगर पोस्टपोन करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में भाई आपके शुक्र बैठे हैं और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, दोनों की आमने सामने दृष्टि है। यानी सम सप्तक योग, शनि और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, सम सप्तक योग अक्टूबर में बना रहे हैं, तो दो घटनाएं फाइनेंस में कर्क राशि के साथ हो सकती है। पहला तो अक्टूबर के महीने में खूब धन बरसने वाला है, या खूब सारी इनकम होगी, या खूब सारी इनकम के प्रॉमिसेस आपको देखने को मिलेंगे। धन में सकारात्मक पॉजिटिविटी रहेगी, धन में वृद्धि के आपके अच्छे खासे योग अक्टूबर में बन रहे हैं। सेकंड देखा जाए, बंद काम भी, फंसा काम भी, या उधार दिए पैसे भी आपके अक्टूबर के महीने में रिकवर हो रहे हैं। बस गुस्सा मत कीजिएगा जिससे पैसे लेने, मीटिंग करके प्यार प्यार से काम निकालिएगा, प्यार प्यार से आपका धन निकल जाएगा। गुस्सा करा तो चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना अक्टूबर के महीने में, याद रखिएगा। धन की रिकवरी शुक्र के कारण आपकी मिल रही है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं सूर्य और बुध बुधादित्य योग बन रहे हैं, लेकिन मंगल यहाँ नीच की राशि में बैठे हैं। यानी कि कुछ अच्छा कुछ बुरा भाई परिवार के साथ में या पारिवारिक जीवन में रहेगा। पहले बात कर लेते हैं तो सबसे पहला क्या है कि परिवार में देखा जाए तो आपके जो मम्मी पापा हैं या माता पिता हैं, उनका कोई सरकारी काम बन सकता है, या फिर अगर वो सरकारी जॉब में तो पद प्रमोशन अक्टूबर में हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए आपकी अपनी रुचि भी राजनीतिक लोगों के अंदर रहेगी, या आपका उठना बैठना अक्टूबर के महीने में नेता, प्रधान, मुखिया, इनके साथ हो सकता है। कई सारे आप मीटिंगें अटेंड करने वाले हैं, यानी देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में सरकारी दफ्तर के चक्कर, कोर्ट के चक्कर आप अपने लिए या किसी के लिए काटने वाले हैं, या फिर किसी नेता से आपके राजनीति में इंटरेस्ट जागृत होंगे, या किसी नेता से मुलाकात होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो तृतीय भाव में सूर्य, मंगल और बुध बैठा है, इसकी वजह से आपका राजनीति में रुचि आ सकती है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो भाई ये परिवार से संबंधित है, परिवार भाव में भाई आपका मालव्य योग कर्क राशि का बन रहा है। यानी कि पूरा महीना देखा जाए तो परिवार में शांति का माहौल रहेगा, आप किसी देवी की भक्ति करेंगे या आपके मम्मी पापा देवी का कीर्तन भजन करने वाली है, साथ ही साथ पूजा पाठ का माहौल रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अक्टूबर में देखा जाए तो परिवार के अंदर जो फैमिली मेंबर है उसमें किसी की खुशखबरी हो सकती है, विवाह शादी का काम बन सकता है, रुका हुआ करियर में काम बनता हुआ नजर आएगा। तो परिवार के लिए ये स्थिति अक्टूबर की बहुत अच्छी है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उन कर्क राशि वालों से है जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है। तो संतान के स्वामी देखा जाए सूर्य, मंगल, बुध एक साथ बैठे हैं, तीन ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में जो आपकी बड़ी संतान है उनका मित्रों के साथ में या कॉलेज ग्रुप के साथ में नदी, पहाड़, हिल स्टेशन की यात्रा अक्टूबर में करने के योग बनते हैं। और बड़ी संतान के करियर में देखा जाए तो उनको नया प्रोजेक्ट, नई जॉब का ऑफर अक्टूबर के महीने में प्राप्त होगा, तो बड़ी संतान के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आपकी कर्क राशि की संतान 17 से बड़ी है, यानी 17 की उम्र से बड़ी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो छोटी संतान है उनका देखा जाए तो उनकी अक्टूबर के महीने में आप किसी एक्टिविटी में उनको डालने वाले हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस कराने वाले हैं, उनके परफॉर्मेंस पे आप ध्यान देने वाले, उनकी एक्स्ट्रा स्टडी करवाने वाले, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो छोटी संतान तो रहेगी भाई वर्कलोड और एजुकेशन में बिजी, एक्टिविटी में बिजी।
अब विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं, छठी घटना है तो विद्यार्थियों का देखा जाए अक्टूबर के महीने में भाई स्थान परिवर्तन हो रहा है, चाहे हॉस्टल में रह रहे हैं चाहे कहीं भी रह रहे हैं, आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ विदेश से संबंधित आप कुछ अप्लाई करने वाले हैं, जॉब की अप्लाई, इंस्टीट्यूशन की अप्लाई यदि किया हुआ है तो विदेश से संबंधित कोई न्यूज़ आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी अक्टूबर का महीना भाई बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं सातवीं घटना की। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका असर उन पे होगा जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं। तो भाई नौकरी में तो बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग भी नौकरी भाव में बन रहा है, गुरु चंडाल योग भी अक्टूबर में बन रहा है, यानी बृहस्पति देव दोगले होने वाले हैं, एक तरफ अच्छा और एक तरफ बुरा। अब ये अच्छा बुरा नौकरी में क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। वहीं पर अक्टूबर में आपका पद प्रमोशन के योग बनते हैं या मैनेजमेंट से आपको कोई एप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है, कोई लेटर मिल सकता है, तो ये तो अच्छा रहा। खराब क्या होगा, यदि आप जॉब में कोई दो नंबर का काम करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम या रिस्क वाला काम करते हैं, तो भाई आप बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपके ऊपर किसी प्रकार का लफड़ा झपड़ा पुलिस केस कोर्ट केस भी हो सकता है। तो दो नंबर के काम से आप सावधान रहे, अगर दो नंबर का आप काम नहीं करेंगे तो गुरु चंडाल योग एक्टिव नहीं होगा, गज केसरी तो है एक्टिव, तो उससे आपको लाभ होगा। अब आठवीं घटना के बारे में बात करें तो भाई ये दाम्पत्य जीवन के अंदर है, यानी दाम्पत्य जीवन कर्क राशि का अक्टूबर में नॉर्मल नज़र आ रहा है। पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, अपने वर्कलोड में बिजी रहने वाले हैं, अपने सुचारू काम परिवार की जिम्मेवारी में आपका पार्टनर बिजी रहेगा, अपने करियर में पार्टनर बिजी रहेगा, यानी पूरा समय बिजी रहेगा। बस वीकेंड में जो चार वीकेंड आपको मिलते हैं, सैटरडे संडे, चार जो वीकेंड मिलते हैं उनमें कहीं घूमने जाने के छोटी मोटी जगह पे योग बनते हैं। बाकी तो देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन प्रेमी प्रेमिका के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा बिजी है। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो नौवीं घटना भाई उनके पे इफेक्ट करेगी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए गुरु चंद्रमा राहु यानी गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है और गज केसरी योग भी बन रहा है, एक अच्छा एक बुरा योग बन रहा है। तो आपके जितने भी व्यापारी हैं जो अपना काम करते हैं उनको भी अक्टूबर के महीने में अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट मिलेगा। अक्टूबर में रुका हुआ काम आपको मिलेगा, कोई व्यक्ति आपकी डील करा सकता है, काम में अच्छी तेजी रहेगी और जो आपका अनुष्ठान है वहाँ पूजा पाठ भी होगा, वहाँ पर आप हवन भी करने वाले हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, मैनेजमेंट में भी आप बड़ा चेंज करेंगे और उससे फ़ायदा होगा। कुछ आप जो है किसी धार्मिक व्यक्ति की एडवाइस से कुछ पूजा पाठ काम की वृद्धि के लिए करने वाले हैं, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम भी खड़ी होगी अक्टूबर के महीने में भाई, कर्मचारियों से आपकी बहस रहेगी, कर्मचारी की बहानेबाजी से आप परेशान रहेंगे, कर्मचारी के काम बिगाड़ने वाली स्थिति से थोड़ा कंप्लेंट भी आपकी बढ़ेगी लेकिन काम में वृद्धि हो रहेगी। तो कुल मिलाकर कर्मचारी से भाई आपको अक्टूबर के महीने में परेशानी रह सकती है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी, जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के मंथली राशिफल की, अक्टूबर में सिंह राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सिंह राशि के जीवन में अक्टूबर में ग्रह गोचर में बड़ा बदलाव के कारण 10 घटनाएं घटित हो रही है, आप वो 10 घटनाएं क्या है इसके बारे में डिटेल करेंगे। और ज्योतिष के अनुसार मित्रों अगर देखा जाए तो तीन बड़ी घटनाएं अक्टूबर में क्षितिज के ऊपर यानी ऊपर घटित हो रही है, अब वो तीन घटनाएं क्या है इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पहली घटना हो रही है 14 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा आमने सामने आ जाएंगे, यानी कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और 30 अक्टूबर को 18 साल बाद राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। कहीं ना कहीं राहु उल्टी गति में चलते हुए, उल्टा चलते हुए मेष राशि से मीन राशि के अंदर राशि प्रवेश करेंगे और 18 महीने के लिए करेंगे। सिंह राशि पे क्या प्रभाव है इसकी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ तो जरूर देख लीजिए। चलिए आप मंथली राशिफल यानी अक्टूबर में 10 घटनाएं क्या होंगी, लमसम वो 10 घटनाएं क्या होने वाली उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात करने से पहले मैं भाई सिंह राशि की कुंडली दिखाना चाहता हूँ। ये सिंह राशि की कुंडली है, शुक्र आपके लगन में बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं,
सूर्य मंगल बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव में भाई आपके केतु बैठे हैं और सप्तम भाव में शनि। और एक एक चीज आपने नोट करी, अक्टूबर के महीने में शुक्र और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, यानी शुक्र और शनि आमने सामने बैठे हैं, तो ये जो स्थिति है आपके लिए बड़ा अच्छा है। और शुक्र यहाँ पर जो लगन में बैठे ना, तो पूरे अक्टूबर के महीने में मालव्य योग बना रहे हैं, तो ये आपके लिए सिंह राशि के लिए लाभकारी स्थिति है। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जो शुक्र जो है सिंह राशि में, यानी देखा जाए आपके लगन में, आपकी राशि में जो बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही आपको कोई खुशखबरी मिल जाएगी, यानी अक्टूबर का महीने की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी। किसी आपको फैमिली फंक्शन, शादी समारोह, पार्टी में जाना पड़ सकता है, यानी शुरुआत के 10 दिन के अंदर, यानी 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में कोई ना कोई खुशखबरी या किसी फैमिली फंक्शन में आपको जाना पड़ सकता है। अक्टूबर में देखा जाए तो भाई यहाँ जो शुक्र लगन में बैठे हैं, तो आप दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में काफ़ी धन या वस्त्र या आभूषण अपने लिए खरीद सकते हैं, यानी दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप बहुत सारी खरीदारी करने वाले हैं। बहुत सारे भोग विलास या वासनाओं में आपके ऊपर भोग विलास या वासनाएं आपके अक्टूबर के महीने में हावी हो सकती है, यानी कि आप खूब ख्याली पुलाव पका सकते हैं। ख्याली पुलाव पकाने का मतलब बहुत सारी कल्पना में आप जी सकते हैं, बहुत सारे आप सपने देखेंगे, बहुत सारी प्लानिंग योजनाएं आप करेंगे, जिसमें से देखा जाए तो 20% में आप मेहनत करेंगे, बाकी आप अक्टूबर के महीने में बहुत सारी प्लानिंगें करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अक्टूबर के महीने में नृत्य संगीत या कला में आपका इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट भी ज़बरदस्ती आप खरीदेंगे, 2 दिन बजाएंगे और धन वेस्ट होगा। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में मन के अनुसार आप काम करने वाले हैं, थोड़े मूडी स्वभाव भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं मूड स्विंग भी होता हुआ अक्टूबर के महीने में सिंह राशि का देखेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे खरीदारी, बेफालतू के खरीदारी करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में यहाँ आप देखेंगे सूर्य मंगल और बुध बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अक्टूबर में आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा और खूब सारे खर्चे भी होंगे, यानी कि 1 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक देखा जाए अचानक कमीशन से या एक्स्ट्रा इनकम से आपको कोई धन प्राप्त हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको अच्छा खासा डील करा सकता है जिसमें आपको अच्छा धन लाभ होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। लेकिन मंगल के कारण, क्योंकि मंगल भी सूर्य बुध के साथ मंगल भी बैठे हैं और शत्रु राशि में बैठे हैं, तो अक्टूबर के महीने में बिजली पे आपका खर्चा होगा, आपका चालान कट सकता है, आपके उपकरण खराब हो सकते हैं जिसपे आपका खर्चा होगा, या किसी से लड़ाई या वाद विवाद भी भाई आपके अक्टूबर के महीने में मंगल के कारण होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अक्टूबर के महीने में वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, याद रखिएगा, खासकर 17 दिन, 1 तारीख से 17 अक्टूबर, 18 से लेकर 30 अक्टूबर तक देखा जाए बुध तुला राशि में निकल जाएंगे और ये स्थिति, यानी बुध आपकी कुंडली में तृतीय भाव में चले जाएंगे, ये स्थिति आपको बहुत धन लाभ देगी, धन का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा 18 से 30 अक्टूबर के बीच में। शेयर या इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ होगा या कोई बड़ी डील से आपको लाभ होगा, कहीं ना कहीं कमीशन का धन प्राप्त होगा, यानी 18 से 30 अक्टूबर में आपको जबरदस्त धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के अक्टूबर का महीना सिंह राशि के धन के लिए बहुत अच्छा है, बस 17 दिन में थोड़ा खर्चे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा धन लाभ हो रहा है। तृतीय घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में भाई आपके केतु बैठे अक्टूबर के महीने में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कान में हल्का फुल्का आपको इन्फेक्शन की संभावनाएं रह सकती है, उसकी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव में देखा जाए तो अक्टूबर का महीना अच्छा बुरा दोनों ही रहेगा, कहीं ना कहीं परिवार भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं, तो परिवार के साथ में अक्टूबर के महीने में अचानक आप किसी यात्रा का प्लान कर सकते हैं, अनप्लान नदी पहाड़ों या किसी हिल स्टेशन की यात्रा आप करने जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। फैमिली के साथ में कुछ दिन आप सुकून से रह सकते हैं, चैन से रह सकते हैं, ऐसे योग नज़र आ रहा है। और फैमिली मेंबर जो आपके घर के अंदर फैमिली सदस्य अक्टूबर में, उनमें से किसी फैमिली मेंबर में करियर में उनको बड़ा ऑफर प्राप्त हो सकता है, कहीं ना कहीं देखा जाए
तो आपके फैमिली मेंबर में किसी को नई जॉब का ऑफर या नए प्रोजेक्ट का ऑफर प्राप्त हो सकता है। वहीं देखा जाए तो मंगल भी सूर्य और बुध के साथ में बैठे हैं, तो अचानक घर के अंदर बिजली पे, इन्वर्टर पे या वाहन पे आपका धन खर्च भी भाई अक्टूबर के महीने में हो सकता है, या किसी फैमिली मेंबर का धन खर्च भी आपको सुनाई देगा, मोटा धन खर्च होगा, उसके लिए आप तैयार रहें। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो भाई उसका असर संतान पक्ष पे होगा, यानी संतान के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा परेशानीदायक रहेगा। पहले छोटी संतान की बात करें, यानी छोटी संतान का मतलब 1 साल से लेकर 17 साल की उम्र में जो संतान है उनको निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार की प्रॉब्लम अक्टूबर के महीने में हो सकती है। विद्या और करियर अच्छी है लेकिन हेल्थ के इशू रह सकते हैं, ऐसा योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान यानी 18 प्लस संतान है तो उनको करियर से संबंधित कोई बैड न्यूज़ आ सकती है जिससे थोड़ा सा वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी बड़ी संतान को डांटिएगा नहीं, उनको मोटिवेट कीजिएगा ताकि वो उस डिप्रेशन से निकल जाए, यानी बड़ी संतान को समझाने की ज़रूरत है। सफलता असफलता हाथ लगती रहती है, जो व्यक्ति असफल होता है, बार बार असफल होता है, उतना ही ज़्यादा सफल होता है, ये इतिहास गवाह। ये बात आपको अपनी बड़ी संतान को बताने की आवश्यकता है, पल पल उसको मोटिवेट कीजिएगा, उसकी कमियां मत निकालिएगा, उसको डांटिएगा नहीं, नहीं तो वो और डिप्रेशन में जा सकता है। यानी कि अक्टूबर का महीना जो बड़ी संतान है उनको आपके साथ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उनका साथ दीजिएगा, उनको मोटिवेट कीजिएगा। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना 1 से 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो भाई गुरु चंडाल दोष बन रहा है स्टूडेंट लोग, तो थोड़ा सावधानी रखें। अक्टूबर का महीना थोड़ा खान पीन में कंट्रोल जरूर करना है, नहीं तो आपको बुरी लतों में आपके मित्र दोष डाल सकते हैं। तो बुरी चीज़ों में बिल्कुल पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बुरी आदतों की शुरुआत हो सकती है, और मन थोड़ा दुविधा और परेशानी वाला भी रहेगा, और मन जो है विद्या में बिल्कुल नहीं लगेगा, कोर्स में बिल्कुल नहीं लगेगा, मन बड़ा चंचल रहेगा। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, आपको ज़बरदस्त कंट्रोल की ज़रूरत है, याद रखिएगा स्टूडेंट लोग, नहीं तो आप बिगड़ सकते हो। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका असर उन लोगों पर होगा जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी भाव में अगर देखा जाए तो शनि और शुक्र का समसप्तक योग बन रहा है, यानी नौकरी में बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन या निर्णय लेने वाला समय अक्टूबर का महीना रहेगा, यानी नौकरी वालों को कोई ज़बरदस्त या कोई बड़ा निर्णय अक्टूबर में लेना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, आपको कोई बड़ा निर्णय नौकरी से संबंधित लेना पड़ेगा। और यानी कि या तो आपको नया नौकरी का ऑफर मिल सकता है या मैनेजमेंट से कहीं जाने का प्रेशर आ सकता है, दूसरी जगह पे स्थान परिवर्तन आपका किया जा सकता है, अब आपको बड़ा निर्णय लेना है, टालना नहीं है, आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए अक्टूबर के महीने में पद प्रमोशन के भी अच्छे योग बन रहे हैं, साथ ही साथ पद प्रमोशन के साथ में स्थान या पद में परिवर्तन के योग भी नज़र आ रहे हैं, यानी प्रमोशन के साथ में आपको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा सकता है, दूसरे शहर में शिफ्ट किया जा सकता है, अब आपको जाना है या नहीं जाना है आपको मैनेजमेंट को क्लियर निर्णय करके बताना पड़ेगा, टालम टोल नहीं करनी है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, तो कुल मिला के नौकरी में आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, ऐतिहासिक अक्टूबर का महीना आपका रहने वाला है। अब आठवीं घटना के बारे में बात करें, उसका संबंध आपके दाम्पत्य जीवन में है, यानी शुक्र की सातवीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो सातवीं दृष्टि प्रेम के ग्रह की प्रेम के स्थान में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम ही प्रेम अक्टूबर के महीने में बरसने वाला है। पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बड़े प्रभावित होंगे, एक दूसरे से आकर्षण बना रहेगा, और जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसमें पानी फेरने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, अपने रिलेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, और पार्टनर आपको इम्प्रेस करने के लिए
भरपूर प्रयास करेगा, आपको कोई गिफ्ट देगा और आपके मनोमुताबिक चीज़ें करने वाला आपका पार्टनर, और पार्टनर और आप किसी हिल स्टेशन में भी अक्टूबर में जा सकते हैं या किसी पार्टी समारोह में भी भाई अक्टूबर के महीने में जा सकते हैं। तो अक्टूबर का महीना आप दोनों के रिलेशन के लिए वंडरफुल रहेगा। वहीं पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो पार्टनर आपकी हर बात में आपके साथ खड़ा रहेगा, पार्टनर आपके लिए अपने परिवार से आपके परिवार से लड़ेगा, पार्टनर का जबरदस्त सपोर्ट अक्टूबर के महीने में आपके साथ रहेगा। गलत बात में भी, आपकी गलत बात में भी पार्टनर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको या आपको पार्टनर कोई सरप्राइज गिफ्ट भी अक्टूबर के महीने में दे सकता है, कोई मोबाइल, कोई वस्त्र, कोई आभूषण का लाभ आपको हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में किसी जान पहचान की समारोह या पार्टी में जाने के मौका भी आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, एक बात अक्टूबर में हो रही है, यानी कि पार्टनर अनकंडीशनली आपको बहुत लव करने वाले हैं, आपका जबरदस्त सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप भी उनका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नवी घटना के बारे में बात करें तो भाई गुरु, राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं अक्टूबर के महीने में, यानी अक्टूबर के महीने में आप देखा जाए तो पूजा पाठ या किसी गुरु से आपको इरिटेशन होगी, यानी पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, आप थोड़ा अक्टूबर के महीने में नास्तिक हो जाने वाले हैं, पूजा पाठ को डिले करने वाले हैं, गुरु पंडित इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि गुरु चंडाल योग आपकी राशि में बना है, तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ को आप दरकिनार करने वाले हैं, ऐसा अक्टूबर के महीने में आपकी विचारधारा रहेगी। दसवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका प्रभाव रहेगा व्यापारी लोग या जो दुकान चलाते हैं, जो अपना काम करते हैं उन पे। तो यहाँ पर शुक्र का मालव्य योग बन रहा है, यानी पूरा का पूरा अक्टूबर का महीना 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो बड़ी कंपनी से आपके टाई अप हो सकते हैं, बड़ी कंपनी आपको मिलने के लिए बुला सकती है, तो आपको जाना जरूर है, बड़ी डील आपका साइन हो सकती है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले अच्छी तरह से उसको पढ़ ले या लीगल व्यक्ति से उस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से रेक्टिफाई कर ले ताकि आगे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। याद रखिएगा, बड़ी डील आपको अक्टूबर के महीने में भाई मिल सकती है, लेकिन एग्रीमेंट को सावधानी से पढ़ें, साइन करने से पहले एग्रीमेंट को अच्छी तरह से विचार विमर्श कर ले। काम में बड़ी खुशखबरी मिल रही है, काम में तेजी मिलेगी, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग के लिए अक्टूबर का महीना बड़ा लाभकारी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि यानी विर्गो साइन के मंथली राशि फल के बारे में। अक्टूबर का महीना कन्या राशि का कैसा रहेगा, कैसे रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, प्रेम की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। और 9 घटनाएं कन्या राशि के अक्टूबर में बन रही है, यानी 9 घटनाएं कहीं ना कहीं कन्या राशि में घटित होगी। अब वो 9 घटनाएं क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 बड़े बदलाव भी अक्टूबर में ज्योतिषीय दृष्टि से अक्टूबर के महीने में हो रहे हैं। पहले मैं 3 बड़े बदलाव बता दूं तो अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर को देखा जाए तो सूर्य ग्रहण लग रहा है। फिर उसके बाद देखा जाए तो दूसरा बदलाव क्या है कि 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और 30 अक्टूबर को राहु केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन होगा। आप कन्या राशि के लिए राहु कैसे हैं, आपने वो वीडियो देखी कि नहीं देखी, क्योंकि 18 महीने वही चलने वाला है, बड़ी हेल्प उस वीडियो से मिलेगी। हमने वो वीडियो बना दी, आप नीचे YouTube Facebook में स्क्रॉल डाउन करके वो जरूर देखें। चलिए अब अक्टूबर के महीने में चर्चा कर लेते हैं। तो ये अक्टूबर के महीने में कन्या राशि की कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। तो आपकी राशि में सूर्य, मंगल और बुध बैठे हैं। हालांकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन मंगल जी यहाँ पर रंग में भंग जरूर डालेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ केतु आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं, शनि देखा जाए आपके 6ठे भाव में बैठे हैं और गुरु, चंद्रमा और राहु कहीं ना कहीं आपके 8ठे भाव में बैठे हैं। हालांकि गुरु यहाँ पर वक्री हैं, शनि और गुरु इस वक्त वक्री हैं, तो क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली घटना देखा जाए तो सूर्य, मंगल और बुध जो आपके राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं
तीन बड़े बदलाव आपके जीवन में अक्टूबर में लाने वाले हैं। पहला क्या होगा, सूर्य और बुध, जब भी सूर्य और बुध एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति में शौक आपका जागृत होगा, किसी पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, खेल की लत आपको लग सकती है। तो कुल मिला के आप बड़े एक्टिव रहने वाले हैं, स्टेडियम ज्वाइन करने वाले हैं, वॉकिंग ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। पार्टी की मीटिंगों में आप जो है अक्टूबर में ध्यान देने वाले हैं। तो कुल मिला के या तो आपका राजनीति या सोशल वार या खेलने कूदने में आपका ध्यान रहेगा, एक्टिव जरूर रहने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। दूसरी घटना के बारे में बात करें, अचानक किसी मित्र के साथ में आप नदी पहाड़ों की यात्रा में जाने वाले हैं, दो तीन दिन बिना बताए अनप्लान्ड आप कोई यात्रा करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरी घटना के बारे में, समाज से आपको कोई मेडल अवार्ड या कोई सम्मान प्रतीक भी भाई अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है, या आपकी पावर बढ़ने वाले हैं, लोग आपकी प्रशंसा करने वाले हैं, या फिर किसी बड़े नेता अभिनेता से अक्टूबर के महीने में आपकी मुलाकात होने वाली है। तो ये तो चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन मंगल भी यहाँ बैठे हैं। मंगल के कारण हाथ पैर में या पेट की समस्या भी भाई अक्टूबर के महीने में आपको रहने वाली है, और ख़ासकर 15 दिन आपको ENT की समस्या, कमर दर्द की समस्या या त्वचा संबंधी समस्या आपको मंगल के कारण रहेगी। तो 15 दिन आपको थोड़ा हेल्थ में हल्की फुल्की सावधानी भी रखनी है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में आपके तुला राशि के केतु बैठे हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी देखा जाए शुक्र और शनि का समसप्तक योग अक्टूबर के महीने में, यानी पूरे महीने में शुक्र और शनि आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे, यानी कि धन संबंधी अक्टूबर के महीने में कन्या राशि की तीन बड़ी घटनाएं होने के योग बनते हैं। पहली घटना के बारे में बात करें, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे आपके अचानक धन में वृद्धि के योग नज़र आ रहे हैं अक्टूबर के महीने में। साथ ही साथ देखा जाए किसी स्त्री से आपको कोई गिफ्ट या कोई स्त्री आपको कोई धन लाभ करा सकती है, ऐसा योग भी आपके अक्टूबर के महीने में बन रहा है। तीसरा देखा जाए, मित्र या रिश्तेदारी में आपको धन खर्च करना पड़ेगा, या आप मित्र या रिश्तेदारी की कोई हेल्प अक्टूबर में कर सकते हैं, या कोई पार्टी प्लान कर सकते हैं और मित्र और रिश्तेदार को उस पार्टी में बुला सकते हैं। कुल मिला के दो जगह से तो आपको लाभ होगा, एक जगह से आपको धन खर्च भी करना पड़ेगा, यानी धन का फ्लो अक्टूबर के महीने में सामान्य रहेगा, यानी अच्छा ही रहने वाला है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव में देखा जाए मंगल और गुरु का समसप्तक योग भी बन रहा है, यानी मंगल और गुरु भी आमने सामने हैं, एक दूसरे को दृष्टि देने वाले हैं। तो ऐसे में भी तीन घटनाएं पारिवारिक स्तर पे भी आपकी अक्टूबर में बन रही है। पहला देखा जाए, माता पिता को धन का, पद का लाभ या सरकारी योजना का कोई लाभ अक्टूबर में होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए, घर के अंदर बिजली रसोई का आप काम कराने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, ऐसा योग नज़र आ रहा है, या डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले हैं। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो जो आपके फैमिली मेंबर है, भाई बहन है, वो कोई गुड न्यूज़ आपको सुनाने वाले हैं, या फिर वो लंबी दूरी की यात्रा का योग भाई बहन का बन रहा है। तो कुल मिला के तीन घटनाएँ पारिवारिक स्तर में भी गुरु और मंगल के समसप्तक योग से बन रही है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो उसका प्रभाव उन पे है जिनकी कन्या राशि वालों की संतान है। तो देखा जाए तो संतान के स्वामी शनि हैं, और शनि जाके बैठे हैं अक्टूबर के महीने में रोग भाव में, यानी देखा जाए तो रोग भाव में शनि बैठे हैं, यानी 11 जगह जहाँ 11 लिखा है वहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं, और सीधी दृष्टि यानी सातवीं दृष्टि शुक्र की वहाँ पर उनके ऊपर पड़ रही है। तो देखा जाए अक्टूबर का महीना संतान का भी दो भागों में बढ़ जाता है। पहला 1 तारीख से 16 अक्टूबर तक देखा जाए, क्योंकि शनि यहाँ रोग भाव में बैठे हैं तो नेत्र की प्रॉब्लम, संतान को सर दर्द की प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम अक्टूबर में जो 16 दिन है, 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आपकी संतान थोड़ा परेशान रह सकती है, हल्की चोट उनको लग सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर विद्या के लिए ये जो 16 दिन है बहुत अच्छे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
17 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो छोटी संतान को परिवार से कोई गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बड़ी संतान का देखा जाए तो बड़ी संतान की लंबी दूरी की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। मित्रों के साथ में वो लंबी दूरी या किसी हिल स्टेशन में जा सकती है। 17 प्लस यानी बड़ी संतान का योग बन रहा है। तो कुल मिला के जो 16 दिन है ना शुरुआती अक्टूबर के, हेल्थ पे संतान थोड़ा परेशान रह सकती है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो पांचवी घटना का संबंध कन्या राशि वाले उनका है, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, तो अक्टूबर के महीने में आपको अपने अंदर कंट्रोल लाने की जरूरत है। यानी मित्र आपको बिगाड़ सकते हैं, बुरी लतों में डाल सकते हैं। आपके अंदर अक्टूबर के महीने में आलसपन ज़्यादा रहेगा, खूब पार्टी करेंगे, खूब पार्टी में धन खर्च करने वाले हैं। मित्रों पे, दोस्ती यारी पे आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, यानी हॉस्टल में कम रहेंगे, मित्रों के साथ घूमते हुए नजर आएंगे। विद्या में बिल्कुल आपका ध्यान नहीं होगा, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपने ऊपर कर्जा भी कर बैठेंगे। तो कुल मिला के विद्यार्थी को बुद्धि से काम लेने की जरूरत है, यानी काम वासनाओं से निकल कर, स्टूडेंट मेरी बात समझ गए होंगे, काम वासनाओं से निकल के बुद्धि को आप आजमाएं और अपने अंदर कंट्रोल करें, नहीं तो कर्जा बहुत हो जाएगा, गलत काम में आप जा सकते हैं, जिसका कहते हैं ना गलत काम का गलत नतीजा होता है। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी इच्छा शक्ति पे कंट्रोल रखने की जरूरत है अक्टूबर के महीने में। अब बात करते हैं छठी घटना के बारे में। तो छठी घटना उन लोगों पर असर करेगी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में देखा जाए शुक्र की शुभ दृष्टि है अक्टूबर के महीने में, यानी नौकरी में आप लोग बिजी रहने वाले हैं, अपने काम को पूरा करने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में किसी को कंप्लेंट करने का कोई मौका नहीं देंगे। साथ ही साथ आपको कुछ शुभ सूचनाएं भी मिलेंगी, धन पद के प्रमोशन के योग अक्टूबर के महीने में आपके बनते हैं। काम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी मैनेजमेंट, बॉस, सीनियर आपकी तारीफ करने वाले हैं। तो नौकरी में देखा जाए अक्टूबर का महीना परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी दाम्पत्य सुख में, यानी दाम्पत्य सुख के मालिक देखा जाए गुरु, राहु, चंद्रमा, तीनों ग्रह एक साथ बैठा है। तो दाम्पत्य जीवन में आपको अच्छा बुरा दोनों तरह का फल अक्टूबर के महीने में मिल रहा है। पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो पूरा महीना भाई आपको एक दूसरे पे विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि पूरा महीना वाद विवाद आपका हो सकता है, यानी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा अक्टूबर के महीने में रह सकता है। साथ ही साथ पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, पार्टनर को कोई धनहानि हो सकती है, इसका योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर थोड़ा मानसिक रूप से भी परेशान रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बारे में अगर हम बात करें तो भाई एक दूसरे का आपको अक्टूबर के महीने में सपोर्ट करें, नहीं तो रिलेशन में बड़ी दिक्कत आ सकती है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी के बारे में बात करें तो उनका रिलेशन वैसे सही है, लेकिन पार्टनर के घर में कोई बुरा समाचार या पार्टनर के घर से संबंधित कोई बैड न्यूज़ से आपका पार्टनर थोड़ा विचलित, थोड़ा परेशान हो सकता है अक्टूबर के महीने में। पार्टनर को अक्टूबर के महीने में हेल्थ इशू रह सकते हैं, कमर में बहुत दर्द या हाथ पैरों में, सर में दर्द की समस्या रहने वाली है। यानी पार्टनर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू से अक्टूबर के महीने में परेशान रह सकता है। बाकी तो पति पत्नी के बीच में रिलेशन ठीक है। प्रेमी प्रेमिका को भैया एक दूसरे को सपोर्ट करने की अक्टूबर में जरूरत है। अब बात करें आठवीं घटना के बारे में, तो भाई आठवीं घटना उन लोगों पे असर करेगी जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो व्यापार भाव के स्वामी सूर्य, मंगल और बुध तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो 80% जो महीना है काम धन के लिए बहुत अच्छा है, काम में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ धन का फ्लो भी व्यापारी लोग का अच्छा रहेगा। 20% देखा जाए तो थोड़ा बिजली पे, उपकरण पे आपका धन खर्च होगा, और अक्टूबर के महीने में आपको अग्नि पे विशेष सावधानी फैक्ट्री पे या दुकान पे रखनी है, क्योंकि आग लगने के हल्के फुल्के चांसेस अक्टूबर के महीने में नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सावधानी रखें, जो अग्नि से संबंधित वस्तुएं हैं जिन पे आग ज़्यादा लगती है उस पे आप बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है, ये याद रखिएगा। नहीं तो 20% देखा जाए बिजली उपकरण पे आपका अक्टूबर के महीने में खर्चा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना व्यापारी वर्ग का सेल्स के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं लिब्रा यानी तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, उनके मंथली राशि फल के बारे में। अक्टूबर 2023 में महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार देखा जाए तो तुला राशि का जो अक्टूबर का महीना है बेहद खास है। करीबन करीबन अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो 14-15 घटनाएं तुला राशि के जीवन में घटित होगी। वो 14-15 घटनाएं क्या है, इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मित्रों सबसे पहले अक्टूबर का महीना क्यों खास है मैं बताना चाहता हूं। अक्टूबर के महीने में ज्योतिष के अनुसार, ग्रह के अनुसार तीन बड़ी घटनाएं हो रही है। पहला देखा जाए तो 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, पहला प्रभाव। दूसरा देखा जाए तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी 14 को भी लगेगा और 28 को भी। तीसरा देखा जाए तो 30 अक्टूबर को देखा जाए 18 महीने बाद या 18 साल बाद देखा जाए तो राहु केतु का परिवर्तन देखा जाए तो मीन राशि में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तीन घटनाएं देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में बड़ी घटनाएं हो रही है। चलिए सबसे पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं, पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो तुला राशि वालों की एक कुंडली आ रही है, देखिएगा केतु आपके लगन में बैठे हैं और मंगल बुध और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं शनि महाराज, जय हो शनि महाराज की, शनि महाराज जो बैठे हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं शनि इस महीने। आप क्या रिजल्ट देंगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ गुरु चंद्रमा और राहु कहीं ना कहीं देखा जाए सप्तम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर जो भी लव कपल है, दाम्पत्य जीवन जो भी जी रहे, जो जिनकी शादी हो गई, जो रिलेशनशिप में, उनको मैं कुछ एडवाइस भी इस अक्टूबर के मंथली राशिफल में मैं आपको देना चाहूँगा। और लाभ भाव में आपके शुक्र महाराज विराजमान है। चलिए सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात करें तो जो लगन भाव में ये जो तुला राशि के केतु बैठे हैं ना, और तुला राशि के जो मालिक होते हैं वो शुक्र है, वो कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं और सिंह राशि में जाके बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं और केतु लगन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना तुला राशि को जबरदस्त गैस की संभावनाएँ होने के योग बनते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी या एलर्जी की प्रॉब्लम केतु के कारण रह सकती है, यानी कि हेल्थ में गैस एलर्जी की समस्या तुला राशि को रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपकी तारीफ करते हुए अक्टूबर में नजर आएंगे, आपके मित्र आपकी तारीफ करेंगे, आपके खान पान की, आपके व्यवहार की काफ़ी लोग प्रशंसा करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ तुला राशि वाले ऐसे होंगे जो लाभ भाव में शुक्र, सिंह राशि में शुक्र, मालव्य योग में जो शुक्र पड़ा है उससे उनका इंटरव्यू समाचार पत्र में छपेगा, उनकी बाइट सोशल मीडिया में छपेगी। तो कुल मिला के कुछ तुला राशि वाले नेम फेम भी अर्जित करने वाले हैं या फिर किसी संस्था से तुला राशि वालों को सोल सम्मान प्रतीक या कोई सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो तुला राशि वालों को सामाजिक रूप से अक्टूबर में कहीं ना कहीं अगर आपको ऑफर आए तो आपको भाग जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ तुला राशि को बड़ी क्रेविंग होगी अक्टूबर के महीने में मीठा खाने की, तो मीठे में तुला राशि को कंट्रोल करना है, नहीं तो शुगर आपका बढ़ सकता है, याद रखिएगा, मीठे की बड़ी क्रेविंग होगी। तो कुल मिला के केतु और शुक्र दोनों ग्रह अक्टूबर में अच्छा और बुरा दोनों तरह का आपको रिजल्ट देंगे। मैं तुला राशि से बात करूंगा, एक तो मीठे का परहेज करना है, दूसरा चाय आप छोड़ दीजिए क्योंकि चाय आपको अक्टूबर के महीने में एसिडिटी और गैस की समस्या दे सकता है, याद रखिएगा। दूसरी घटना के बारे में अगर बात करें तो धन भाव के यानी मनी मैटर के जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल देखा जाए तो अभी तो कन्या राशि में बैठे हैं लेकिन ये तुला राशि में चले जाएंगे, और तुला राशि में ये 3 अक्टूबर को चले जाएंगे, यानी 3 अक्टूबर से देखा जाए तो मंगल जब तुला राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पिछले महीना जो मंगल कन्या राशि यानी शत्रु राशि में बैठे हुए थे, तो पिछले 1.5-2 महीने में जो तुला राशि का फाइनेंस बिगड़ गया था, अचानक वाहन पे खर्चे हो गए थे, अचानक बिजली के उपकरण पे जो खर्चे थे
या अचानक आपको जो नुकसान चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जैसे ही तुला राशि में मंगल का ट्रांजिट 3 अक्टूबर को होता है, वैसे ही आपके 3 बड़े काम होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, यानी 3 बड़े काम आपके बन जाएंगे, धन संबंधी 3 बड़े काम या इम्पोर्टेंट 3 बड़े काम तुला राशि के बन सकते हैं। अब वो काम क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला तो मंगल खुद भूमि का स्वामी होता है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो वाद विवाद पेंडिंग वाग सेल या परचेज, जो भी प्रॉपर्टी संबंधित आपका पेंडिंग वर्क है जो आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुला राशि के मंगल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम आपका रुका हुआ बनवाने वाले हैं, पहला चीज ये होगा। दूसरा देखा जाए तो विदेश संबंधी कोई बड़ी डील आपको प्राप्त हो सकती है, या विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति से आपको कोई बड़ा काम या बड़ा धन लाभ मिल सकता है। तीसरा अगर देखा जाए तो रुका हुआ धन, जो मार्केट में फंसा हुआ धन था, या फिर आपने 2 महीने के अंदर जिस काम में धन इन्वेस्ट कर रखा था, तत्परता से आप मेहनत कर रहे थे, उसका रिटर्न आपको अक्टूबर में आने लगेगा। यानी तुला राशि के अंदर जो मंगल आ गए, इससे आपको धन अब छोटी छोटी किस्तों में प्राप्त होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो खर्चे तो हो रहे हैं अक्टूबर के महीने में, लेकिन इनकम भी आपकी बढ़ रही है। इसी प्रकार से तीसरी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव में अगर देखा जाए तो परिवार भाव के स्वामी है शनि, और शनि कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में। हालांकि चतुर्थ भाव में भी शनि ही स्वामी है, और पंचम भाव संतान भाव के भी शनि मालिक है। तो अभी हम चतुर्थ भाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि 1 अक्टूबर को शुक्र भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शनि और शुक्र का आमने सामने की दृष्टि आ जाएगी, यानी सम सप्तक योग बन जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को करीबन दिन के 4 बजे के बाद शुक्रदेव भी कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, और शनि और शुक्र आमने सामने देखेंगे और इनका एक सम सप्तक योग बनेगा, जो कि परिवार पक्ष के लिए बड़ा लाभकारी है। शुक्र की दृष्टि वैसे ही बड़ी लाभकारी होती है, तो कहीं देखा जाए तो लंबे समय के बाद परिवार के साथ में छुट्टियां बिताने का मौका आपको मिलेगा। किसी फंक्शन में लंबे समय के बाद भाई बहन माता पिता या संतान के साथ में कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा, गिला शिकवा भाई बहन से दूर होने का मौका मिलेगा, और ये जो समय है ना, जो आपका 5 दिन 7 दिन या ये जो समय है, ये जो 5-7 दिन है, ये आपके जीवन में बड़े आनंददायक बीतने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ किसी शादी समारोह में जाने का भी कुछ अवसर मिल सकता है 5-7 दिन, उसमें भी हो सकता है कि आप भाई बहन या आपके फैमिली मेंबर करीब आ जाए, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए जो शनि और शुक्र का जो समसप्तक योग हो रहा है, तो आपकी जो फैमिली मेंबर हैं वो उनका भी करियर या विद्या में कोई बड़ी खुशखबरी अक्टूबर में मिलने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो समसप्तक योग बन रहा है, शनि शुक्र आमने सामने देख रहे हैं, इसका भाई तुला राशि के पारिवारिक जीवन पे पॉजिटिव असर है, माता पिता पे पॉजिटिव असर, भाई बहन पे पॉजिटिव असर है। इसी प्रकार से चौथी घटना के बारे में बात करें तो संतान भाव में तो शनि देव बैठे ही हैं, यानी संतान भाव में जो शनि देव बैठे हैं, और मैंने जैसा बताया 1 अक्टूबर से शुक्र और शनि का पूरे अक्टूबर सम सप्तक योग बन रहा है, यानी शुक्र की जो 7वीं पॉजिटिव दृष्टि है वो शनि पर आ रही है। तो 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए, चाहे तुला राशि की छोटी संतान है चाहे तुला राशि की बड़ी संतान है, दोनों के लिए अक्टूबर का महीना वंडरफुल रहने वाला है। पहले हम छोटी संतान की बात करें, 1 साल से लेकर और जो जिनकी उम्र 17 साल तक है उनकी अगर बात करें, तो उनका इंटरेस्ट अक्टूबर के महीने में म्यूजिक में, खेल में, कला में उनका इंटरेस्ट जागृत होगा। साथ ही साथ आपकी छोटी संतान को अपने काम में कुछ ना कुछ अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, ऐसा युग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के छोटी संतान के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। बात करें बड़ी संतान की, तो बड़ी संतान की बात करें तो 18 प्लस संतान की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नई जो बड़ी संतान है उनकी नई मित्रता किसी से हो सकती है, या फिर
नया प्रेम का इतिहास दोबारा बन सकता है, ऐसा योग तुला राशि का बन रहा है। नए किसी मित्र से आपके अट्रैक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र की पंचम प्रेम भाव पे दृष्टि है, जो कि आपके अंदर और अपोजिट पक्ष के अंदर प्रेम जागृत करेगा, तो प्रेम की आपकी बड़ी संतान की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए, यदि आप कुंवारे हैं तो आपके अंदर उसकी शुरुआत हो सकती है, अगर आपकी संतान नहीं है तो फिर आपको ही रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए, आपके अक्टूबर के महीने में कुछ ना कुछ खरीदने के योग हैं, भौतिक वस्तु खरीदेंगे, या तो तुला राशि वाले अपने लिए या अपनी संतान के लिए वाहन खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, या कुछ ना कुछ ज्वेलरी, कोई कपड़े आप खरीदेंगे, परिवार वालों पे धन खर्च करने वाले हैं, अपनी खुशी से अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार के लिए खूब सारे गिफ्ट खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो खरीदारी का भी भाई आपका, या अगर आपकी संतान है तो बड़ी संतान का योग बनता है। करियर में देखा जाए तो आपके बड़ी संतान के करियर में भी अच्छी खासी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। विद्या में जॉब कर रही है तो जॉब में भी अच्छी खासी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो कुल मिला के संतान पक्ष भी भाई अक्टूबर का महीना अच्छा है। आप बात करें तुला राशि वाले, उनकी जो स्टूडेंट है, परिवार से अलग रहते हैं, तो उनकी बात करें तो विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना वैसे तो विद्या के लिए ठीक है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक पेट का गंभीर आपको इन्फेक्शन रह सकता है, पथरी का दर्द रह सकता है, यानी आप हेल्थ से परेशान रह सकते हैं। करियर में देखा जाए तो अच्छा है, नॉर्मल रहेगा, करियर में कोई दिक्कत नहीं है। विद्या संबंधी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कहीं पर अगर आपने कोई अप्लाई किया है जॉब के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए कहीं जाने के लिए, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। तो विद्यार्थियों के करियर के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए आधा महीना, खासकर 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक आप हेल्थ से परेशान रह सकते हैं। 15 अक्टूबर के बाद मित्रों के साथ में कुछ पार्टी में आप जा सकते हैं, दूसरे शहर घूमने जा सकते हैं, या मूवी देखने जा सकते हैं। तो कुल मिला के मित्रों के साथ में आनंददायक समय या हेल्थ में आपको रिलीफ 15 अक्टूबर के बाद ही मिलने वाला। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है, ये हेल्थ को छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं तुला राशि के नौकरी के बारे में। तो नौकरी भाव में भी देखा जाए तो मंगल और गुरु का समसप्तक योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है। इधर शनि और शुक्र का समसप्तक योग है अक्टूबर के महीने में, उधर ही मंगल और गुरु का समसप्तक योग है, यानी बड़ा बदलाव, बड़ी उथल पुथल, बड़ा चेंज आपके ऑफिस में होने वाला है अक्टूबर के महीने में। अब वो चेंज, वो बदलाव क्या है, क्योंकि गुरु यानी कि प्रकृति के बदलाव के लिए गुरु जाना जाता है, या फिर गुरु जब भी गोचर में मंगल के साथ में समसप्तक योग बनाता है मित्रों, यानी मंगल और गुरु जब आमने सामने रहते हैं कभी भी गोचर के अंदर, तो हमारे मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव आता है, या तो बॉस या मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव आपको ऑफिस में देखने को मिलेगा। या अक्टूबर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी बुरा काम नहीं करना है, क्योंकि गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। तो तुला राशि वाले कोई भी 2 नंबर का काम अक्टूबर में ना करें, या कोई रिस्क वाला काम ना करें, नहीं तो आप फंस भी सकते हैं। यदि आपने ऐसा काम नहीं किया तो ये समय गुजर जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना है, चाहे आप गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कोई रिस्क वाला काम ना करें, कोई बुरा काम, 2 नंबर का काम, एक्स्ट्रा इनकम का काम ना करें, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए अक्टूबर के महीने में या तो आपका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, या ऑफिस की तरफ से आपको कहीं दूसरे शहर में काम के लिए भेजा जा सकता है, यानी कि मंगल और गुरु के समसप्तक योग से बड़ा ज़बरदस्त अक्टूबर में बदलाव आ रहा है। आप किन किन के जीवन में बदलाव आया, आप अक्टूबर के इस राशिफल में कमेंट में मुझे जरूर लिखें। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की तुला राशि के। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए गुरु, राहु, चंद्रमा तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, यानी कि विष दोष बन रहा है। जब भी चंद्रमा राहु एक साथ बैठते हैं तो ऐसे में विष दोष बनता है, यानी थोड़ा आपको दाम्पत्य जीवन में संभल के रहने की जरूरत है। पहले तो मैं प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो भाई अक्टूबर के महीने में छोटी छोटी बातों में बड़ा बदलाव, बड़ा वाद विवाद आप दोनों के बीच में रह सकता है, क्योंकि विष दोष बन रहा है, यानी कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी कहेंगे तो वो टॉन्टिंग ही लगेगी, या आप
कहना इतना चाहते होंगे इतना सा, लेकिन आप कहते कहते इतना बड़ा उनको बोल देंगे जिस वजह से पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है, टोंटिंग में आप बोल सकते हैं। तो कोशिश करें कि अक्टूबर के महीने में आप लव कपल अपने पार्टनर से कोई कंप्लेंट ना करें, याद रखिएगा, नहीं तो कंप्लेंट बातों बातों में बड़ी हो सकती है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है उनका सोना चांदी या कोई आर्थिक नुकसान अक्टूबर में हो सकता है, कोई चीज़ गुम या चोरी हो सकती है आपके पार्टनर की, तो थोड़ा संभल के रहना, पार्टनर की कमियां नहीं निकालनी, याद रखिएगा। अब बात करें पति पत्नी की, तो अक्टूबर का महीना देखा जाए तो आपका पार्टनर, आपके में प्रॉब्लम दूसरी है, आपका बनेगा अक्टूबर में बहुत अच्छा, एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपका पार्टनर माता पिता के हेल्थ को लेकर अक्टूबर के महीने में बिजी रहने वाला है, परेशान रहने वाला है, ऐसा आप पे ध्यान नहीं जाएगा पार्टनर का, अपने माता पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ा बिजी रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका पार्टनर अधिक पूजा पाठ करने लगेगा, यानी कि अधिक पूजा पाठ से आपके अपने माता पिता या आपके फैमिली मेंबर भी पार्टनर के इतना ज़्यादा पूजा पाठ से परेशान होने वाले हैं, यानी कि आपका पार्टनर अजीब तरह के व्रत, अजीब तरह के संकल्प करेगा, जिससे कि आपके फैमिली मेंबर भी परेशान होने वाले हैं, इतना सख्त संकल्प करने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो थोड़ा सा आपके सदस्य थोड़ा अक्टूबर में परेशान रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, तो व्यापारियों में देखा जाए तो गुरु, चंद्र और राहु, ये जो तीन ग्रह बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का जो दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका अक्टूबर का महीना तीन भागों में बटेगा। पहला 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक देखा जाए तो व्यापारियों का नॉर्मल है, जैसा काम चल रहा है वैसे ही चलेगा। फिर 11 तारीख से 20 अक्टूबर तक देखा जाए तो एकदम से किसी एम्प्लॉय की चोरी पकड़ी जा सकती है, या किसी कर्मचारी की लेट लतीफ़ी या काम में कंप्लेंट के कारण कर्मचारी से वाद विवाद हो सकता है, यानी 11 से 20 तक आपके काम में, आपकी दुकान में बड़े वाद विवाद रहने वाले हैं। 21 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए फिर आपके काम में तेज़ी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए अक्टूबर का महीना व्यापारियों के लिए बड़ा मिक्स मैच वाला रहने वाला है। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो शुक्र आपके नवम भाव में बैठे हैं, यानी कि शुक्र आपकी आपका देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में लाभ भाव में बैठे हैं, मैंने गलती से नवम बोल दिया, ये लाभ भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में आपको आपके इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा, जो आपने FD की है उसका कुछ फ़ायदा होगा, या आपकी प्रॉपर्टी खाली है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो चढ़ने के योग नज़र आ रहे हैं, कोई डील क्रैक होने के योग नज़र आ रहे हैं, नए काम से आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में एक्स्ट्रा इनकम के कुछ ना कुछ सोर्सेज आपके बनेंगे, लेकिन अक्टूबर के महीने में तुला राशि वालों को, खासकर जॉब करने वालों को, बिल्कुल दो नंबर की इनकम नहीं लेनी, नहीं तो आप फंस सकते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो दसवीं घटना के बारे में, तो सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह अक्टूबर के महीने में आपके 12वें भाव में बैठे हैं, यानी जब भी सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल प्रॉपर्टी का काम कारक होता है, बुध सोच का स्वामी होता है, सूर्य कॉन्फिडेंस का स्वामी होता है, कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराने वाले हैं या प्रॉपर्टी को बनाने वाले हैं, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चा आप करेंगे, एक तो ये योग नज़र आ रहा है, या फिर आपका स्थान परिवर्तन होगा, या नए काम में आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या उसका विज्ञापन कराएंगे, कुछ ऐसा योग नज़र आ रहा है सूर्य, मंगल, बुध के कारण। तो कुल मिला के देखा जाए तो अक्टूबर का महीना बहुत सारे इवेंट वाला तुला राशि का नजर आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी, जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के अक्टूबर के मंथली राशिफल, यानी मासिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों का, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, क्या ऐसी रहेगी वृश्चिक राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, 9 घटनाएं वृश्चिक राशि के अक्टूबर के महीने में बन रही है, वो 9 घटनाएं कौन सी है, इसके बारे में डिटेल इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और ज्योतिषीय दृष्टि से अक्टूबर का महीना मित्रों बहुत खास है, 3 बड़े बदलाव ब्रह्मांड के क्षितिज के अंदर आने वाले हैं, वो 3 बदलाव क्या है
वो आपको मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पहला बदलाव देखा जाए तो 14 अक्टूबर को देखा जाए तो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट होगा। ये तीन बड़े बदलाव देखा जाए तो अक्टूबर में होंगे। 30 अक्टूबर को बहुत बड़ा बदलाव है, यानी 18 साल बाद राहु केतु मेष राशि से निकल कर मीन राशि में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, क्या आपने ये वीडियो देखी है? नहीं देखी तो YouTube में, Facebook में स्क्रॉल डाउन करके हमने ये वीडियो बना दी, उसको जरूर देखें। चलिए आप अक्टूबर के महीने में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि की ये कुंडली है जो आपके सामने प्रस्तुत है, तो देखा जाए चतुर्थ भाव में शनि है और छठे भाव में गुरु चंद्र और राहु एक साथ बैठे हैं। और भाई देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में शुक्र केंद्र भाव में बैठे हैं, जबरदस्त मालव्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्र है वृश्चिक राशि को कुछ ना कुछ फायदा देने वाले हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पहली घटना के बारे में बात करें तो पहली घटना का सम्मान वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य में होगा, स्वास्थ्य में होगा। स्वास्थ्य भाव के स्वामी देखा जाए मंगल है, मंगल तुला राशि में है, केतु के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए स्वास्थ्य के लिए जो 17 दिन है 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक विशेष आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये जो 17 दिन है केतु और मंगल एक साथ 12वें भाव में होंगे, तो दर्द की आपको समस्या रह सकती है, हल्की चोट वृश्चिक राशि को रह सकती है, शारीरिक पीड़ा आपको रह सकती है, जिसको चलते हुए आपको 17 दिन के अंदर डॉक्टर पे टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, डॉक्टरी ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ सकता है। यानी ये जो 17 दिन है आपके लिए भारी हैं। 18 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक बिल्कुल फिट एंड फाइन, बिल्कुल नॉर्मल रहने वाले हैं, यानी ये 17 दिन थोड़े भारी हैं। इसके बाद दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी गुरु अक्टूबर में ऋण भाव में बैठे हैं, यानी धन भाव के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं जो आपके ऋण भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 17 दिन है मन में आपको कंट्रोल करने की जरूरत है वृश्चिक राशि को, वरना आप देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक आप किसी बुरी लत में पड़ सकते हैं और किसी के बहकाव में आके शीघ्र प्रॉफिट के चक्कर में आके कोई सट्टा या कोई मोटा धन कमाने के चक्कर में कहीं पर गलत धन इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है या फिर किसी की गलत एडवाइस से आपको नुकसान हो सकता है। तो ये जो 17 दिन है ना, सोच समझ के धन इन्वेस्ट करना है, ये याद रखिएगा। ये जो 17 दिन है आपको सट्टा लॉटरी पे बिल्कुल धन वे ना करें, नहीं तो कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ जाएंगे, उल्टा आप अपने ऊपर कर्जा बढ़ाएंगे, तो ये 17 दिन आपको सावधानी रखनी है। 18 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए गुरु मंगल का समसप्तक योग बनेगा, यानी मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलेगा और कोई व्यक्ति आपके जीवन में 18 तारीख के बाद आएगा और आपको बड़ी डील कराने वाला है और उस डील से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, लेकिन 17 तारीख तक आपको सावधानी रखनी है, नहीं तो पता चला कि शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वृश्चिक राशि वाले आपका धन कहीं सट्टे जुए में इन्वेस्ट कर देंगे और अपने ऊपर खर्चा और लदवा देंगे, फिर आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो अच्छा हुआ ही नहीं हमारे साथ। तो आपको ऐसा कर्म नहीं करना है, हम आपको सतर्क करते हैं। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में शनि महाराज बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और उन पे शुक्र की दृष्टि है। अक्टूबर के पूरे महीने शुक्र और शनि आमने सामने रहेंगे, एक दूसरे पे दृष्टि रहेगी, समसप्तक योग बनाएंगे, इससे देखा जाए तो घर के अंदर रेनोवेशन कराने वाले हैं आप, यानी घर के अंदर सफ़ेदी का काम, टाइल का काम या कोई ना कोई हल्की फुल्की या बड़ी रेनोवेशन वृश्चिक राशि वाले कराने वाले हैं। साथ ही साथ आपके परिवार के जो फैमिली मेंबर है, सदस्य है, उनमें से कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता पिता, जो भी फैमिली मेंबर है वो भौतिक वस्तु कुछ खरीदने वाले हैं, कोई वाहन, टीवी, लैपटॉप या कोई मोबाइल, कोई भी भौतिक वस्तु आप अक्टूबर के महीने में आपका फैमिली मेंबर खरीदने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है।
चौथी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो उसका संबंध है उन लोगों पे जिन वृश्चिक राशि वालों की संतान है। तो संतान भाव के स्वामी भाई रोगेश भाव में चले गए हैं गुरु, तो कहीं ना कहीं 14 दिन संतान के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेंगे। 14 दिन उनको निमोनिया रह सकता है, पेट की परेशानी रह सकती है। संतान गुस्से और चिड़चिड़ेपन में आकर कोई नुकसान आपका कर सकती है, कोई टीवी तोड़ सकती है, कोई नुकसान कर सकती है, ऐसे न्यूज़ कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में नज़र आएंगे। तो ये 14 दिन बड़ी संतान और छोटी संतान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान कर सकती है। 15 तारीख से लेकर और 30 अक्टूबर तक बिल्कुल नॉर्मल है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि का 17 दिन तो भाई अक्टूबर का चाहे संतान पक्ष हो, चाहे धन पक्ष हो, चाहे हेल्थ पक्ष हो, तो ये 17 दिन थोड़े भारी हैं। आप बात कर लेते हैं पांचवी घटना के बारे में, तो वो विद्यार्थियों के बारे में हैं, यानी स्टूडेंट के बारे में। पूरा महीना देखा जाए तो विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, कोई वस्तु चोरी हो सकती है, किसी वस्तु की हानि हो सकती है, गलत काम में मन लग सकता है, कोई दोस्त आपको गलत काम में फंसा सकता है, लगा सकता है, तो दोस्तों से सावधान रहे। कोई दोस्त अगर आपको बोलता है कि गलत काम में कर ले, तो उस व्यक्ति से बचना है। मन में आपको कंट्रोल रखना है, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना है, याद रखें। अब छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना का असम्मान उन लोगों से जो नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल और गुरु का अक्टूबर के महीने में सम सप्तक योग बन रहा है, यानी मंगल और गुरु आमने सामने एक दूसरे को देखने वाले हैं। यानी इससे पता चलता है कि वृश्चिक राशि का अक्टूबर के महीने में ऑफिस के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, सीनियर में फेरबदल होने वाली है, नया प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, आपके धन और पद में वृद्धि होने वाली है, नए जॉब के आपको ऑफर मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के नौकरी से या करियर से संबंधित अक्टूबर का महीना भाई आपके लिए तो लाभकारी रहने वाला है। या तो आपको पद का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, या नए प्रोजेक्ट का लाभ होगा, और कुछ वृश्चिक राशि वालों को नए जॉब के ऑफर मिल जाएंगे और आपको ले लेने चाहिए। ये जो सम सप्तक योग मंगल और गुरु का बन रहा है, ये आपके लिए बड़ा जैकपॉट की तरह काम करेगा। अगर आपको ऐसा ऑफर आता है तो तुरंत ले लें। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, ये सातवीं घटना है। तो दाम्पत्य जीवन के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं और वो मालव्य योग बना रहे हैं, तो अक्टूबर का महीना प्रेमी प्रेमी का हो, पति पत्नी उनके लिए वंडरफुल रहेगा, प्रेम ही प्रेम बरसने वाला है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो जो आपका पार्टनर है आप पे आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत सारा खर्चा करने वाला है, आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई वस्त्र, कोई ऑर्नामेंट आपको सरप्राइज देने वाला है। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में भी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यानी पार्टनर को खूब सारा पद या धन का लाभ होने वाला है अक्टूबर के महीने में। पार्टनर को कोई बड़ा गिफ्ट भी उनके परिवार से मिलने वाला है या आप ही देने वाले हैं, एक दूसरे को आप गिफ्ट देने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो कहीं देखा जाए तो पार्टनर के साथ में किसी फैमिली फंक्शन में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है अक्टूबर के महीने में, यानी शादी विवाह या किसी धार्मिक फंक्शन में आपको जाना पड़ सकता है। और पार्टनर के करियर में पद धन का लाभ होता हुआ अक्टूबर के महीने में नज़र आ रहा है। प्रेम और सौहार्द बढ़ने वाला है, एक दूसरे पे आप बिलीव करने वाले हैं, एक दूसरे को अक्टूबर के महीने में सपोर्ट करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ये मालव्य योग बन रहा है, तो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपके प्रेम को बढ़ाने वाला है, आपके प्रेम में चार चांद लगाने वाला है अक्टूबर का महीना। अब आठवीं घटना के बारे में बात करें तो आठवीं घटना का संबंध उन पे है जो दुकान चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं। तो देखा जाए तो व्यापार भाव में भी अक्टूबर के महीने में मालव्य योग बन रहा है, यानी पूरा अक्टूबर का महीना काम में तेजी रहेगी। कोई बड़ी कंपनी से आपकी बड़ी डील हो सकती है, बड़ा टाइप हो सकता है, बस आपको मिलने जाना है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप बिजी ज़्यादा रहेंगे, तो हो सकता है कि मीटिंग में आप टाइम ना निकालें तो गलती करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी आपको मीटिंग के लिए बुलाए, आप मिलने के लिए जरूर जाएं, बड़ा लाभ आपको होने वाला है, बड़े टाइप या बड़ा डील आपको मिल सकती है, याद रखिएगा। नौवीं घटना के बारे में बात करें, सूर्य मंगल और बुध कहीं ना कहीं लाभ भाव में आपके बैठे हैं, तो देखा जाए
दोस्तों अक्टूबर के महीने में माता पिता को किसी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, सरकारी रुका हुआ काम आपके माता पिता का बन सकता है, सरकारी रुका हुआ फंड माता पिता को मिल सकता है, या लक्की ड्रॉ का कोई लाभ आपके माता पिता को मिल सकता है, और माता पिता की नदी पहाड़ों की यात्रा भी अक्टूबर में मिली है। तो कुल मिला के माता पिता को कुछ ना कुछ गेन अक्टूबर के महीने में मिल सकता है। तो ये 9 घटनाएं अक्टूबर में वृश्चिक राशि वालों के साथ होने वाली है। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मैं मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के मंथली राशि फल की, अक्टूबर का महीने में कैसी होगी धनु राशि की, धन की, प्रेम की, उनके व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, या उनके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा धनु राशि पे देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में 9 घटनाएं घटित हो रही है, यानी 9 घटनाएं, विचित्र घटनाएं धनु राशि के अक्टूबर के महीने में घटित होगी। अब वो क्या होंगी इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मांड के अंदर भी, ग्रह नक्षत्रों में भी 3 बड़े बदलाव, 3 बड़ी उथल पुथल होने वाली है, जिससे कि पूरा विश्व उससे ग्रसित रहेगा। वो 3 बड़े बदलाव क्या है पहले बता देता हूँ। अक्टूबर के महीने में खासकर 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, फिर 28 अक्टूबर को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और 30 अक्टूबर को अगर देखा जाए राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, और ये जो गोचर हो रहा है ना, पूरे के पूरे 18 साल बाद राहु देव मीन राशि में जा रहे हैं, ये यानी 18 साल बाद मीन राशि में राहु देव जा रहे हैं। तो उसका प्रभाव आपके ऊपर धनु राशि वालों के ऊपर कैसा है क्या आपको मालूम है? नहीं पता तो स्क्रॉल डाउन करें फेसबुक यूट्यूब में और वो धनु राशि वाली वीडियो जरूर देख लें, उससे आपको बहुत गाइड मिलेगा क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, थोड़ा समझ लें, वो वीडियो जरूर देखें। चलिए आप बात कर लेते हैं अक्टूबर के महीने की। तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो पहले धनु राशि वाले भाई अपनी कुंडली देख लें, ये आपकी कुंडली है। तृतीय भाव में शनिदेव, ओम सम शनिश्चराय नमः, शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हैं, और तृतीय भाव शनि का बड़ा पॉजिटिव भाव है, यहाँ पर आपको कुछ पावर बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ तो करने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए गुरु राहु और चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ सूर्य बुध और मंगल आपके कर्म भाव यानी दशम भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के 9 के 9 ग्रहों की स्थिति है। इसमें से पहली घटना के बारे में हम चर्चा करें तो पहली घटना यानी आपके स्वास्थ्य भाव, आपकी राशि के स्वामी आपके पंचम भाव में बैठे हैं, यहाँ गजकेसरी योग भी बना रहे हैं और गुरुदेव गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं, यानी अक्टूबर के महीने में गुरुदेव देवादिदेव बृहस्पति और का जो है दोगुला स्वभाव होने वाला है, यानी एक तरफ गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं, एक तरफ गजकेसरी योग भी, यानी अच्छा बुरा दोनों तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा अक्टूबर के महीने में। भाई आपको धनु राशि वालों को शुगर बढ़ सकता है, इसलिए आपको व्यायाम या वॉकिंग करने की बहुत ज़रूरत है। पहला चीज़ शुगर आपको बढ़ेगा तो डिप्रेशन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, यदि आपके नेचर के अंदर बात बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, बात बात पे चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो मान के चलिए आपका शुगर हाई हो रहा है, तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर के महीने में 40 मिनट कम से कम वॉक करने की ज़रूरत है। अक्टूबर के महीने में गुरु चंडाल दोष के कारण आप बड़े नास्तिक होने वाले हैं, पूजा पाठ से आपको इरिटेशन होगी, धार्मिक व्यक्ति से भी इरिटेशन होगी, यानी कि कहीं ना कहीं पूजा पाठ से आप पूरे महीने दूर रहने वाले हैं, चिढ़ और खिंचाव पैदा होगा, पूजा में आपका मन ही नहीं लगेगा इसका, और बुरे बुरे ख्याल आपको, अजीबों से ख्याल पूजा करते समय आएंगे, पूरा पूजा में पूरा अवरोध पैदा होगा, गुरु चंडाल दोष बैठा है। साथ ही साथ हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, खासकर ये स्थिति 20 अक्टूबर तक आपके रहने वाली, करीब करीब पूरा महीना, पूरा आधा महीना या 20 दिन देख कह लीजिए खराबी है। अब दूसरी घटना के बारे में बात करें तो भाई धन भाव के स्वामी शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर तो स्ट्रांग पोजीशन में बैठते हैं, और तृतीय और दशम में शनि को दिग्बल, दिशा का बल भी प्राप्त होता है, ये इनके अच्छे स्थान है, तो यहाँ पर शनि पावरफुल होता है, और साथ ही साथ शनि और शुक्र का समसप्तक योग भी बनेगा। एक तरफ शनि जो है कुंभ राशि में बैठे हैं,
शुक्र अगर देखा जाए तो सिंह राशि में बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी समसप्तक योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को धनु राशि के बहुत अच्छा करने वाला ये समसप्तक योग। यानी देखा जाए या तो परिवार, मित्र, जान पहचान से कोई व्यक्ति आएगा और आपकी समस्या को समझेगा और आपको कोई काम दे सकता है, या आपका रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन दिला सकता है, ऐसा योग नजर आएगा। यानी कोई व्यक्ति आपकी फाइनेंस के रूप में आपको पैसा उधार भी दे सकता है, आपकी मदद करने वाला है। साथ ही साथ कोई कमीशन से संबंधित, कोई रुकी हुई कमीशन या डीलिंग जो आपने की है, उसका धन आपको अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए फाइनेंस के लिए समसप्तक योग बड़ा लाभकारी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव में गुरु, राहु और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो अक्टूबर का महीना भाई देखा जाए गुरु चंडाल दोष बना है, तो परिवार के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। खासकर देखा जाए तो अक्टूबर का शुरुआती महीना यानी शुरू होते ही माता पिता के हेल्थ में आप थोड़ा गड़बड़ देखेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए खासकर 15 दिन अक्टूबर के, 1 से 15 अक्टूबर बहुत अच्छे नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के अंदर भी चोरी चकारी हो सकती है, तो घर आपको बिल्कुल अकेला करके नहीं जाना, किसी ने किसी को रखिएगा। यदि 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो भाई घर में चोरी होने के योग आपके बनते हैं, तो आपको घर अकेला नहीं छोड़ के जाना याद रखिएगा, नहीं तो सावधानी हटी और कहते हैं दुर्घटना घटी। चौथी घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो चौथी घटना का इफेक्ट उन लोगों पर पड़ेगा जिन धनु राशि वालों की छोटी या बड़ी संतान है। तो अक्टूबर का महीना देखा जाए तो 2 घटनाएं संतान की शुभ बनेगी और 1 अशुभ घटना भी संतान के साथ में होगी। पहला बात करें कि संतान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्टडी के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा है। आपके बिना बताए बच्चा स्टडी करेगा और स्टडी में उसका इंटरेस्ट भी जागृत होगा। आपको बच्चे के नेचर में अक्टूबर में बड़ा बदलाव नजर आएगा, अनुशासन प्रिय बच्चा रहेगा, टाइम पे उठेगा, टाइम पे खाना खाएगा। आप कहोगे कि मेरे बच्चे में तो बड़ा चेंज आ गया, चाहे छोटा है या बड़ा है। करियर के लिए भी अक्टूबर का महीना अच्छा है। साथ ही साथ जिनकी बड़ी संतान है तो उनके में एक और चेंज आएगा, यानी जिनकी 17 से बड़ी संतान है, तो अक्टूबर के महीने से आपके बच्चा एक तो स्टडी बहुत अच्छी करेगा, साथ ही साथ जिम, योगा, आयुर्वेद की कोई पद्धति भी फॉलो करेगा, मेडिटेशन भी कुछ लोग करने वाले हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक और चीज़ होगी, बेफालतू की बातें भी आपकी संतान आपसे करने वाली है, भूत प्रेत आत्मा परमात्मा की बातों पे लगेगा, यानी कि बेफालतू की बातें भी खूब सारी आप लोगों से करने वाली है, आपके उनको डाउट क्लियर करने हैं, याद रखिएगा उनको बातों को काटना नहीं है, उनके डाउट को आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जो डाउट होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहम में बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा माता पिता की जिम्मेवारी है कि बच्चे के पूरे डाउट जो उसके मन में आत्मा परमात्मा भूत प्रेत या इस तरीके की चीज़ों को लेके आ रहा है उसको डाउट को क्लियर करें, वो आपको करना पड़ेगा। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो ये इसका इफेक्ट होगा धनु राशि वाले स्टूडेंट के जीवन में, यानी जो धनु राशि वाले स्टूडेंट हैं उनके जीवन में एक गलत फहमी पैदा होगी, एक वहम आपके अंदर स्टूडेंट के अंदर पैदा हो सकता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है या मेरे ऊपर कुछ ऐसा कर रखा है कि मेरे सारे काम रुके हुए हैं। आपके अंदर इस तरह की गलत फहमी या वहम कोई पैदा कर सकता है, डिप्रेशन आपके अंदर आ सकता है और आप किसी तांत्रिक के चक्कर में स्टूडेंट लोग पढ़ सकते हैं, तांत्रिक के दबा दब यूट्यूब और फेसबुक में देख के या ऑनलाइन बात करके आप उपाय कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। देखिए गीता का एक मैंने श्लोक बोला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो पहले आपको जो विश्वास होना चाहिए अपनी विद्या, अपने प्रोफेशन, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आपको अपने प्रोफेशन अपने बाहुबल पे विश्वास होना चाहिए। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आप उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला तो मा फलेषु कदाचन, उसके बाद ये ज्योतिष अध्यात्म उपाय इसकी पद्धति को अपनाना चाहिए तब आपको लाभ मिलेगा। ये नहीं कि आपने अपने प्रोफेशन में तो आपको अपने पर ही विश्वास नहीं है और आप ज्योतिष को अपना रहे हैं, आप इस उपाय पे उपाय कर रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको अपने बाहुबल और अपने प्रोफेशन पे जरूर से ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, वो व्यक्ति
सफलता के शिखर को छूते हैं, गुरु मंत्र याद रखिएगा। छठी घटना के बारे में अगर बात करें तो छठी घटना का इफेक्ट नौकरी वालों पे पड़ेगा, यानी जो धनु राशि वाले नौकरी करते हैं या जो धनु राशि वाले गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं। तो देखा जाए तो भाई अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहद 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 खास है, क्योंकि शुक्र देव द्वारा मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग वैसे देखा जाए तो सिंह राशि में कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि नहीं बना, लेकिन मैं मानता हूं कि शुक्र जब भी सूर्य की राशि में आते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि मैंने जिनकी कुंडली में शुक्र सिंह राशि में देखा है उनके जीवन में और केंद्र त्रिकोण के अंदर देखा है मित्रों, उनके जीवन में लग्जरी नौकर चाकर वाहन की कोई कमी नहीं होती। हाँ, मानसिक रूप से वो थोड़ा कमजोर होते हैं लेकिन लग्जरी की कोई कमी नहीं होती। तो मालव्य योग तो भाई यहाँ एक्टिव होता है, तो देखा जाए तो नौकरी में आपका मालव्य योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में पद धन में वृद्धि होगी, यानी कि करियर से संबंधित धनु राशि को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त होने वाला है। आप सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, यानी जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ सेल आपकी होगी, रिकॉर्ड तोड़ आपका परफॉर्मेंस हाई रहेगा। मैनेजमेंट भी आपकी, आपके कलीग भी आपकी तारीफ करने वाले हैं, आपसे राय लेने वाले हैं, आपके मित्र भी आपसे सुझाव लेने वाले हैं। तो नौकरी के लिए ये जो मालव्य योग है ये वंडरफुल रिजल्ट आपको अक्टूबर में देने वाला है। आप बात करें दाम्पत्य जीवन की धनु राशि की, तो यहाँ पर सूर्य बुध और मंगल तीन ग्रह एक साथ बैठा है, तो भाई दाम्पत्य जीवन में तीन घटनाएं तो शुभ हो रही हैं और एक घटना अशुभ हो रही है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तीन घटनाएं क्या शुभ और एक घटना क्या शुभ है। तो प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, तो दोनों के जीवन में जो तीन घटनाएं शुभ हो रही है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्टनर अचानक ही आपको घुमाने ले जा सकता है, हिल स्टेशन ले जा सकता है, कहीं घुमाने के लिए ले जा सकता है। पहला चीज, पार्टनर आप पे बड़ा प्रभावित होगा, आपकी बड़ी तारीफ करेगा, आपको कोई गिफ्ट दिला सकता है, यानी आपको प्रसन्न करेगा आपका पार्टनर। जो आपकी कंप्लेंट थी कि पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहा, तो अक्टूबर के महीने में पार्टनर आप पे ध्यान दे रहा है। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर को करियर में पद धन लाभ के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके तीसरी घटना क्या होगी कि आपके पार्टनर के पिता को भी करियर में लाभ होगा, धन का लाभ होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। नेगेटिव क्या है एक घटना कि आपका जो पार्टनर है उनको पेट की समस्या, फोड़े फुंसी इन्फेक्शन की समस्या, रक्त विकार की समस्या, यानी ब्लड से संबंधित डिसीज की समस्या अक्टूबर में कुछ दिनों तक रह सकती है। उसके लिए टेस्ट ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा तब जाके ठीक होगी। तो कुल मिला के हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना याद रखिएगा। नौवीं घटना के बारे में, आठवीं घटना के बारे में बात करें तो नवम भाव में भाई अक्टूबर में शुक्र बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अक्टूबर में ऑफिस की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से आपको कोई सुख सुविधाएं दी जा सकती है, कोई आपकी बात मैनेजमेंट मान सकती है, क्योंकि नवम भाव में शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। नवी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उन लोगों पे जो कि व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो नवम भाव व्यापार भाव के जो स्वामी हैं, तो देखा जाए सूर्य बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं तीनों ग्रह, तो दो घटनाएं व्यापारियों के जीवन में शुभ बनेगी और एक अशुभ बनेगी। पहला देखा जाए तो शुभ घटनाएं दो क्या है इसके बारे में बात करें तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है या सरकारी योजना का अगर योजना का लाभ मिल सकता है। आपके शहर में कोई कॉमर्शियल प्लॉट या लकी ड्रॉ, दुकान का लकी ड्रॉ निकले तो आप जरूर भरें, आपके निकलने के योग जबरदस्त बन रहे हैं अक्टूबर के महीने में, तो आपको भरना जरूरी है। साथ ही साथ दुकान का आप रेनोवेशन करा सकते हैं, कुछ चेंज करा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और अशुभ घटना क्या है कि वाहन मशीन या बिजली में भाई आपके खर्चे आ जाएंगे, यानी काम तो बहुत अच्छा रहेगा, सेल भी अक्टूबर में अच्छी रहेगी, सरकारी योजना का भी लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चे भी आपके रहेंगे, वाहन पे खर्चा, मशीन पे, बिजली पे, भाई आपके खर्चे रहने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये नौ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉन यानी शनि जिस राशि के स्वामी होते हैं, मकर राशि के बारे में बात कर रहे हैं, उनके मंथली राशि फल के बारे में बात कर रहे हैं कि मासिक स्थिति कैसी होगी, और नौ घटनाएं मकर राशि के जीवन में भाई इंपॉर्टेंट महीना है अक्टूबर का उसमें घटित होगी, और तीन बड़ी घटना तो खगोलिक होने वाली है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो तीन बड़ी घटना पहले हम खगोलिक जान लेते हैं। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा,
28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है मित्रों, और 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। राहु केतु 18 साल बाद जो जो अगली राशि में जा रहे हैं वो 18 साल बाद उस राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के मकर राशि पे राहु केतु के ट्रांजिट का क्या इफेक्ट है। अगर आपने ये कार्यक्रम नहीं देखा तो इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी गई है, यानी YouTube में स्क्रॉल डाउन करके आपको मिल जाएगी, Facebook में स्क्रॉल डाउन करके आपको मिल जाएगी। आप नॉलेज जरूर रखें कि आपके ऊपर राहु केतु का प्रभाव क्या रहेगा। चलिए आप मंथली राशि फल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंथली राशि फल में भाई ये मकर राशि की कुंडली आ रही है, आप देख रहे हैं, तो शनि आपके द्वितीय भाव में अक्टूबर के महीने में रहेंगे। गुरु बड़े दोगले होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, एक तरफ पे गुरु चंद्रमा बैठे हैं, गुरु गज केसरी योग बना रहे हैं, वहीं गुरु राहु एक साथ बैठे हैं, गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं, यानी गुरु अच्छा भी देंगे और बुरा भी फल देंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इसका पूरा गोचर का क्या ट्रांजिट होगा, क्या घटनाएं होंगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो पहली घटना का इफेक्ट आपके स्वास्थ्य में होगा, यानी देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी द्वितीय भाव में शनि महाराज बैठे हैं, द्वितीय भाव मुंह का होता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में बिजी रहे शेड्यूल रहेगा, बड़े पुराने कामों को निपटाने में आप बिजी रहेंगे, यानी जो पुराने काम याद आते रहेंगे आप उसको निपटाएंगे, चाहे घर का पेंडिंग काम हो, ऑफिस का पेंडिंग काम हो, सामाजिक पेंडिंग काम हो, आप उसको निपटाते हुए नजर आएंगे, काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो हड्डियों की परेशानी आपको रह सकती है, यानी दांत दर्द की समस्या रह सकती है, ज्वाइंट पेन की समस्या आपको रह सकती है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में शनि महाराज बैठे हैं, शुक्र शनि का समसप्तक योग है, यानी शुक्र और शनि एक ऐसी स्थिति में अक्टूबर में आ जाएंगे कि आमने सामने एक दूसरे को दृष्टि देते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, समसप्तक योग बनाएंगे, जिससे कि दो घटनाएं आपके जीवन में बड़ी शुभ होने वाली है, यानी कि अक्टूबर के महीने में अचानक किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी या जान पहचान का व्यक्ति आपकी बड़ी डील करा सकता है, या किसी व्यक्ति की सुझाव से, किसी व्यक्ति की राय से आपकी फाइनेंशियल जो परेशानी चल रही है वो हल होने के योग नजर आ रहे हैं। तो एक तो शनि शुक्र के समसप्तक योग से ये लाभ होगा, दूसरा फंसा रुका हुआ धन आपको अक्टूबर के महीने में मिल रहा है, यानी दो बड़े घटनाएं आपके जीवन में हो रही है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो इसका इफेक्ट आपके परिवार भाव में, यानी परिवार भाव में गुरु चंद्रमा राहु तीनों ग्रह बैठे हैं, गुरु चंद्रमा राहु, तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग भी अक्टूबर में बन रहा है और गुरु चंडाल योग भी बन रहा है, जिससे कि दो घटनाएं आपके पारिवारिक जीवन में शुभ होगी और एक अशुभ घटना भी होगी। पहला, घर के अंदर गज केसरी योग के कारण घर के अंदर पूजा पाठ रहेगा, कोई शुभ काम आपके परिवार के अंदर हो सकता है, सदस्य के अंदर हो सकता है, जिसके लिए घर के अंदर आप हवन पूजा पाठ कीर्तन रखें कि भाई हमारे घर में इतने सालों बाद या इतने दिनों बाद ये काम हुआ है। साथ ही साथ घर के अंदर भौतिक वस्तु का आगमन होगा, यानी फैमिली मेंबर कुछ गाड़ी खरीद सकते हैं, टीवी मोबाइल का परचेज अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं, इसका योग नजर आ रहा है। अशुभ घटना के बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने में अगर आप कहीं दूर जाते हैं, दो तीन दिन के लिए जाते हैं, तो घर अकेला मत छोड़िएगा, किसी को घर में रखिएगा, नहीं तो चौकीदार लगाइएगा, क्योंकि घर के अंदर चोरी होने के योग नजर आ रहे हैं, यानी कि आपको घर के प्रति सावधानी रखनी है, ये याद रखिएगा। चौथी घटना के बारे में बात करें तो मकर राशि का चौथी घटना का इफेक्ट उन पे पड़ेगा जिनकी संतान है, संतान भाव में मालव्य योग एक्टिव है अक्टूबर के महीने में, यानी संतान की, चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, उनकी कोई डिमांड आप पूरी करने वाले हैं, उनको इच्छा अनुसार कुछ दिलाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। संतान के करियर विद्या के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है। पांचवी घटना का संबंध स्टूडेंट से, विद्यार्थी से, तो देखा जाए तो अक्टूबर का महीना स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी बढ़िया रहेगा, मित्रों के साथ में रिलेशन आपके अच्छे होंगे, लव पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाने के योग भी बनते हैं, और लव पार्टनर के साथ में जो अनबन चल रहा था वो भी दूर हो रहा है। करियर और विद्या के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। माता पिता से कोई आपकी डिमांड भी पूरी हो रही है, कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है।
छठी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध होगा जो मकर राशि वाले या तो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, यानी नौकरी भाव के स्वामी कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यानी कि विपरीत राजयोग बनाने से नौकरी में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यानी ताबड़तोड़ परिवर्तन आपके ऑफिस आपके करियर में अक्टूबर के महीने में हो रहा है। उसी में राहु केतु का राशि परिवर्तन भी है मित्रों, उसी में ग्रहण भी है, उसी में सूर्य ग्रहण भी है। तो अक्टूबर के महीने में पद में वृद्धि होगी या तो धन में आपके वृद्धि हो रही है, नया काम नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या नई जॉब का ऑफर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन अक्टूबर का महीना करियर में लाने वाला है। साथ ही साथ सातवीं घटना के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में होगी। दाम्पत्य जीवन में मालव्य योग मकर राशि का बन रहा है, यानी अक्टूबर के महीने में मालव्य योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, इनके जीवन में अक्टूबर के महीने में बड़ी सारी खुशियां आने वाली है। पहला तो आपका पार्टनर कोई बड़ी खुशखबरी आपको अपने से रिलेटेड परिवार से रिलेटेड देने वाला है, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में पद धन का लाभ होगा, साथ ही साथ आपका रिलेशन बड़ा मजबूत होगा। आप दोनों को योजना बनाने के बाद थोड़ा 50-50 पैसा खर्च करने के बाद कुछ योजना बना सकते हैं और परिवार को कहीं कोई पार्टी दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई महंगा गिफ्ट परिवार के लिए प्लान कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक साथ चलकर एक योजना में काम करते हुए परिवार को कोई सरप्राइज गिफ्ट आप अपनी ओर से दे सकते हैं। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका हो पति पत्नी हो रिलेशन वंडरफुल अक्टूबर के महीने में रहने वाला है। आठवीं घटना के बारे में चर्चा करें तो अष्टम भाव में बुध बैठे हैं अक्टूबर के महीने में। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं की अचानक पैतृक गांव की यात्रा या पैतृक मकान की यात्रा या माता पिता के घर की यात्रा भी अक्टूबर में लिखी है, या फिर देखा जाए तो कुछ मकर राशि वालों पे नया नोवल नया बुक पढ़ने का शौक जागृत तो होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो सूर्य मंगल यानी दोनों एक साथ बैठे हैं, एक युति में बैठे हैं, तो पिता को अक्टूबर के महीने में धन पद का लाभ का योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मंगल क्योंकि बुध की राशि में बैठे हैं, अशुभ राशि में बैठे हैं, और मंगल जब राशि ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं तुला राशि में आ जाएंगे लेकिन केतु के साथ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पिता को चोट भी हल्की फुल्की लग सकती है लेकिन अक्टूबर के महीने में वहीं सूर्य मंगल के कारण पिता को धन पद का लाभ होगा, मंगल केतु के कारण पिता को हल्की चोट भी लग सकती है। दसवीं घटना के बारे में बात करें तो दसवीं घटना का संबंध मकर राशि के उनसे है जो अपनी दुकान चलाते हैं अपना शोरूम चलाते हैं या अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। तो पूरा महीना मालव्य योग एक्टिव है, शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है, काम में जबरदस्त तेजी रहेगी, नया काम के आपको ऑफर आएंगे या नई डील के आपको ऑफर आ सकते हैं, नए पार्टनरशिप के आपको ऑफर आ सकते हैं या किसी बड़ी कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है, नया बड़ा काम आपको मिल सकता है, कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपका किसी बड़ी कंपनी से कोई नया बड़ा टाई अप करा सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बस लिखा पढ़ी आप ढंग से कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मकर राशि का अक्टूबर के महीने में 10 बड़ी घटना, मैंने 9 बोली थी, अब 10 बड़ी घटना के योग बनते हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी अक्टूबर 2023 के मंथली राशिफल मासिक राशिफल के बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि के जीवन में 11 अद्भुत घटनाएं अक्टूबर में घटित हो रही हैं, वो 11 अच्छी बुरी घटनाएं क्या है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी होगी, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा समझ आएगी। सबसे पहला देखा जाए तो अक्टूबर का महीना बहुत खास है, 3 बड़ी घटनाएं अक्टूबर के महीने में ज्योतिषीय एंगल के हिसाब से हो रही है, 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला बदलाव क्या होगा, 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, पहला बदलाव। दूसरा देखा जाए तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। तीसरा देखा जाए तो 30 अक्टूबर को राहु केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन होगा, मेष से उल्टा चलते हुए मीन में राहु देव आ जाएंगे। उसका क्या रिजल्ट रहेगा उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसको देख सकते हैं कि आने वाले 18 महीने आपके कैसे रहेंगे वो जरूर देख लीजिए। चलिए
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह गोचर के बारे में। ये कुंडली आ रही है, आप देखिएगा कुंभ राशि की कुंडली है। लगन में शनि महाराज बैठे हैं, तृतीय भाव में गुरु चंद्रमा राहु तीनों ग्रह तृतीय भाव में बैठे हैं। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए तो आपके अक्टूबर के महीने में शुक्र का मालव्य योग बन रहा है, इसका फायदा कुंभ राशि को बड़ा ज़बरदस्त मिलने वाला, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सूर्य बुध और मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना देखा जाए तो स्वास्थ्य पर असर करेगी, यानी देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में शनि और शुक्र, आप देख रहे हैं शनि और शुक्र आमने सामने, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक शनि शुक्र का सम सप्तक योग बनने वाला है, यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देखा जाए तो कुंभ राशि को मिलेगा। यानी अक्टूबर का महीना हेल्थ को ठीक करने वाला रहेगा, हेल्थ पे कुंभ राशि का ध्यान देने वाले हैं। साथ ही साथ जो शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही है तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज योगा आप ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आप कोई मेडिटेशन करने वाले हैं। भाई शुक्र की दृष्टि तो अच्छी होती है, कहीं ना कहीं उसका लाभ होगा। और अक्टूबर महीने की शुरुआत कुंभ राशि की किसी बड़ी खुशखबरी से होगी या कोई शुभ समाचार आपको अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा। यानी अक्टूबर की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी, कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ मिड अक्टूबर के बारे में बात करें तो 10 से लेकर और 25 अक्टूबर के बीच में देखा जाए तो किसी को देखने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है या किसी को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, उसके टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या फिर किसी को छुड़ाने के लिए आपको पुलिस चौकी जाना पड़ सकता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, वहाँ की भी अस्पताल या पुलिस स्टेशन की आपकी दौड़ा भागी भी किसी के लिए होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि और शुक्र का समसप्तक योग कहीं पर अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, कहीं पर बुरा रिजल्ट भी दे रहा है। अब दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना होगी आपके धन भाव में, यानी धन भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और गुरु कहीं ना कहीं गुरु चंडाल योग में तो डले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल और गुरु का भी अक्टूबर के महीने में समसप्तक योग बन रहा है। यानी मंगल और गुरु आमने सामने रहेंगे, गुरु रहेंगे मेष राशि में, वहीं पर मंगल रहेंगे तुला राशि में और दोनों एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखेंगे, यानी समसप्तक योग बनेंगे, जिससे कि फाइनेंस में 4 बड़ी घटनाएँ घटित हो सकती हैं। अब वो 4 बड़ी घटनाएं क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला देखा जाए अचानक अक्टूबर के महीने में अचानक कोई बड़ा आपको धन लाभ हो सकता है या कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि समसप्तक योग बन रहा है। दूसरा देखा जाए चंद्र और राहु और गुरु ये तीनों ग्रह आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो भाई इसका भी आपको फल फाइनेंस में मिलेगा, यानी माता पिता पे आपका अक्टूबर के महीने में धन खर्च होने वाला है। माता पिता को कुछ आप दिलाने वाले हैं या मोबाइल कपड़े गहने एक्सेसरीज आप माता पिता को दिलाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और मंगल की सातवीं दृष्टि देखा जाए तो गुरु पर है तो कहीं ना कहीं आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर भी आपके काम में वृद्धि होगी या धन वृद्धि के आपके योग अक्टूबर के महीने में गुड न्यूज़ आपको करियर में सुनाई देगी। शेयर में और इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ होगा, मंगल की दृष्टि पड़ रही है इसलिए आपको लाभ होगा। साथ ही साथ सोना चांदी या आभूषण खरीदने के अक्टूबर के महीने में आपके योग बनते हैं तो कुछ ना कुछ छोटा या मोटा आप कुछ ना कुछ सोना चांदी या आभूषण किसी फैमिली मेंबर के लिए खरीदने वाले हैं। भैया तो बड़ी सारी 4 घटनाएँ अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो रही है। अब तीसरी घटना के बारे में बात करें तो गुरु चंद्रमा और राहु आप देखेंगे तृतीय भाव में मेष राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा अक्टूबर में आपको नहीं करनी है। अक्टूबर में लंबी दूरी की यानी कि 5-6 दिन की आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं तो भाई आपको कष्ट हो सकता है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके चीज़ें वहाँ चोरी हो सकती है, आप थोड़ा परेशानी में पढ़ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो देख लीजिएगा आप मानते हैं या नहीं मानते, आप देख लीजिएगा, ग्रह योगा योग तो भाई यही बता रहा है। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र देखा जाए तो सप्तम भाव में मालव्य योग जबरदस्त मालव्य योग बना रहे हैं तो अक्टूबर का महीना
कुंभ राशि के परिवार के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं परिवार में रुका हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, या फैमिली मेंबर जितने आपके सदस्य हैं उनके में से कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई शुभ समाचार भाई आपको अक्टूबर के महीने में दे सकता है। यानी फैमिली मेंबर में से किसी ना किसी का भला अक्टूबर में होने वाला है, क्योंकि जबरदस्त मालव्य योग बन रहा है। और शुक्र जब मालव्य योग बना है और भला ना हो ऐसा मैं मान नहीं सकता, ऐसा हो गई होगा। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो संतान भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान भाव के जो स्वामी है वो बुध है। पूरे महीने देखा जाए तो पहले कन्या राशि के अंदर विचरण करेंगे, उसके बाद तुला राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। यानी ये अक्टूबर के महीने में दो राशियों में भ्रमण करेंगे, पहले कन्या फिर तुला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक देखा जाए जब सूर्य और बुध एक साथ बैठेंगे, यानी बुधादित्य योग जब तक बनेगा तब तक आपकी संतान के करियर में कोई अच्छी न्यूज़ सुनाई देगी। विद्या में सब तारीफ करेंगे, विद्या में मन लगेगा, नदी पहाड़ों की यात्रा संतान की होगी, या देखा जाए तो संतान की एक्टिविटी के लिए उस टीचर द्वारा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, या टीचर द्वारा तारीफ की जाएगी, या फिर मेडल अवार्ड कोई मिल सकता है या कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी संतान के लिए ये समय अगर देखा जाए तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, 17 अक्टूबर तक बढ़िया है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो पेट की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, गले बैठने की ENT की समस्या भी आपकी संतान को झेलनी 17 अक्टूबर के अंदर अंदर पड़ सकती है, ऐसा योग भी नज़र आ रहा है। फिर 18 से और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो संतान का ये जो समय है करियर में कुछ वो नया सीखने के योग बन रहे हैं, या एक्स्ट्रा क्लासेस आप करवाने वाले हैं संतान की, या फिर ऑनलाइन कुछ सिखाने वाले हैं। तो कुल मिला के 18 से 31 का तो अच्छा है, उससे पहले का भी करियर में अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए 17 अक्टूबर तक संतान के लिए अच्छा नहीं है। छठी घटना की बात करें तो सूर्य बुध और मंगल कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं। तो भाई विद्यार्थी ध्यान से सुन ले, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए देखा जाए तो छठी घटना का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है विद्यार्थियों के लिए। तो माता पिता से कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है, माता पिता आपकी कोई इच्छा पूर्ति अक्टूबर में कराने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल जो यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मंगल के कारण आपके उपकरण खराब हो सकते हैं, वाहन में आपका खर्चा आ सकता है अक्टूबर के महीने में, बाकी तो अक्टूबर का महीना अच्छा है। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो भाई कुंभ राशि वाले जो नौकरी करते हैं उन पर असर होगा। नौकरी भाव में गुरु चंद्र और राहु तीनों ग्रहों के प्रभाव से अक्टूबर का महीना दो भागों में कुंभ राशि का बढ़ता है। पहला देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 18 अक्टूबर तक देखा जाए तो काम के सिलसिले में अक्टूबर के महीने में आपका ऑफिस, आपकी मैनेजमेंट आपको दूसरे शहर की यात्रा में भेज सकती है। दूसरे शहर की यात्रा कुछ दिनों की आपकी हो सकती है, ये समय आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन पारिवारिक सुख से आप थोड़ा वंचित रहेंगे, आपको काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। 19 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो काम अच्छा है, लेकिन गुरु चंडाल योग देखा जाए तो 19 से लेकर 31 में एक्टिव हो रहा है। तो इस समय पे आपको थोड़ा दो नंबर के कामों में या रिस्क वाले कामों में सावधानी रखनी है, कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है, काम में झूठ नहीं बोलना है, कोई बहाना मैनेजमेंट से नहीं देना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि 19 से 31 अक्टूबर तक जबरदस्त कुंभ राशि पे गुरु चंडाल योग एक्टिव है, झूठ करोगे, बुरा काम करोगे, किसी से रिश्वत पानी ऐसी चीज़ें लोगे तो आप फंस जाओगे। यानी कि मान के चलिए कि आपके कर्मों के आपको फल मिलेगा, तो ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, याद रखिएगा, नहीं तो बुरा काम करोगे तो ज़्यादा आप फंस सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि 19 से 31 अक्टूबर तक जो गुरु चंडाल योग बन रहा है ये आपको फंसा सकता है, याद रखिएगा। किसी की बात पे आपको बिलीव नहीं करना, कोई मित्र कोई योजना बनाए मैनेजमेंट कंपनी को धोखा देने की, कोई बात कहे कोई मित्र उसकी बात मत मानिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो, याद रखिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो बिल्कुल आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो आठवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन में बनेगा। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो कुंभ राशि के अक्टूबर के महीने में मालव्य अति सुंदर योग, मालव्य योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें
तो रिलेशन अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी पार्टनर आप पे जबरदस्त प्रसन्न होने वाला है, पार्टनर आपको खुश करने के सारे प्रयास करेगा, आपकी हर बात मानेगा और आप भी पार्टनर को खुश करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं, उनको घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं या उनकी इच्छा पूर्ति कराने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टनर आपको अक्टूबर के महीने में कोई गुड न्यूज़ भी देगा और पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की किसी हिल स्टेशन की या लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनते हैं। यानी लव कपल के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा है। पति पत्नी की बात करें तो देखा जाए तो पार्टनर के साथ में किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का आपका मौका मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपका पार्टनर अपने नौकरी या अपने व्यापार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। देखा जाए तो पति पत्नी का भी अक्टूबर का महीना वंडरफुल रहेगा, यानी आप पार्टनर को कोई सोना चांदी वस्त्र से संबंधित कोई सरप्राइज गिफ्ट पार्टनर को दे सकते हैं या पार्टनर आपको देगा, या तो आप देंगे या पार्टनर आपको देगा, क्योंकि मालव्य योग बना है तो किसी ना कोई एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट देने वाला है। तो यहाँ तो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दोनों के लिए अच्छा अक्टूबर का महीना रहेगा। नवी घटना के बारे में बात करें तो नवम भाव में केतु महाराज बैठे हैं, तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो जो भी कुंभ राशि वाले हैं किसी गुरु की एडवाइस को फॉलो करने वाले हैं, किसी पद्धति को फॉलो, किसी मंत्र जाप कुछ पूजा पद्धति को आप फॉलो करने वाले हैं, मतलब आप किसी गुरु को फॉलो करने वाले हैं, ऐसा योग अक्टूबर में नज़र आ रहा है। दसवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका असर उन लोगों पर जो व्यापार दुकान करते हैं, तो देखा जाए तो व्यापार भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना आपका दो भागों में बढ़ता है। एक तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक तो देखा जाए आप बड़े परेशान रहने वाले हैं व्यापारी लोग, कभी बिजली खराब हो जाएगी, कभी मशीन खराब हो जाएगा, कभी वाहन में खराबी, कभी क्लाइंटों से वाद विवाद होंगे, तो काम तो आपको मिलेगा लेकिन शांति कार्य में नहीं रहेगी, यानी कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज़ से परेशान रहेंगे। फिर 14 तारीख से देखा जाए और 31 अक्टूबर तक काम के सिलसिले में आपकी काफ़ी यात्रा होगी, काफ़ी सारे ऑर्डर आपको मिलने वाले हैं और काम की स्थिति यहाँ पर नॉर्मल है, यानी 14 तारीख से 31 अक्टूबर तक व्यापारी या दुकानदारों की स्थिति बहुत बहुत अच्छी रहेगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि के मंथली राशिफल अक्टूबर 2023 में मीन राशि की कैसी होगी स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य, उनके संतान, उनके प्रेम, उनकी नौकरी की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले और मीन राशि के साथ में अक्टूबर के महीने में भाई 8 अशुभ घटनाएं, यानी 8 अच्छी घटनाएं और एक अशुभ घटना घटित होने वाली, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मांड क्षितिज या विश्व के अंदर अक्टूबर के महीने में ही 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं जिसका असर विश्व पे पड़ेगा। तो पहले तो अक्टूबर के महीने में 3 बड़े बदलाव क्या आएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण आ रहा है, दूसरा 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है अक्टूबर के महीने में, तीसरा अक्टूबर के महीने में 30 अक्टूबर को राहु केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी देखा जाए तो राहु देव 18 साल बाद मीन राशि में जा रहे हैं और मीन राशि पे इसका क्या प्रभाव होगा आप ही की राशि में जा रहे हैं क्या आपको मालूम है, आपने वो वीडियो देखी नहीं देखी तो तुरंत झट करके सबसे पहले उसी वीडियो को देखें जो कि स्क्रॉल डाउन करके आपको राहु राशि परिवर्तन पे मिल जाएगी, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी कि राहु क्या क्या आपके लिए योजनाएँ बुन रहा है। तो उस वीडियो को देखने से और प्लानिंग करने से आप उन चीज़ों से बच सकते हैं, याद रखिएगा, तो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम मंथली राशि फल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना के बारे में बात करें तो भाई ये मीन राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है और देखा जाए तो आपकी उसमें धन भाव के अंदर देखें जो गुरु चंद्रमा और राहु बैठे हैं, यानी कि गुरु मीन राशि के लिए अगर देखा जाए तो भाई दोगले होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। एक तरफ गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, एक तरफ गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं, यानी अच्छा बुरा दोनों तरह का रिजल्ट देगा। पंचम भाव में शुक्र बैठा है, जबरदस्त मालव्य योग आपका बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो छठे भाव में बुध,
सातवें भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं, जो कि आप ये पूरी की पूरी नौ ग्रहों की गोचर की स्थिति आपने जान ली। पहले घटना के बारे में बात करें तो आपकी राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति। गुरु चंद्रमा राहु के साथ में बैठे हैं, यानी कि दो घटनाएं जीवन के अंदर शुभ होगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला चीज देखा जाए तो जो गजकेसरी योग गुरु अक्टूबर के महीने में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र साधना शुरू करने वाले हैं, अध्यात्म की पुस्तकें आपने पढ़ने वाले हैं, किसी गुरु का प्रवचन आप पूरे महीने आनंद और चाव से देखने वाले हैं, यानी किसी गुरु से आप इंस्पायर होने वाले हैं और जीवन में उस चीज़ को चरितार्थ करने वाले हैं, यानी आध्यात्मिक बदलाव मीन राशि के जीवन में आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो सामाजिक काम भी आप करने वाले हैं, यानी कि आप किसी गरीब की मदद करने वाले हैं, किसी को भोजन कपड़े वितरण अक्टूबर के महीने में करने वाले हैं, खूब दान धर्म आप करने वाले हैं। तो दो बड़े बदलाव आपके जीवन में कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में हो रहे हैं। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव के अंदर गुरु चंद्रमा राहु बैठा है, यानी गज केसरी योग भी गुरु चंद्रमा के कारण बन रहा है और गुरु राहु के कारण गर्ज आपका गुरु चंडाल योग भी अक्टूबर में बन रहा है, यानी मीन राशि के जीवन में तीन धन संबंधी शुभ घटनाएं अक्टूबर में होगी और एक धन संबंधी अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित होगी। अब वो क्या क्या है इसके बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने में, पूरे अक्टूबर में धन में आपकी ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है, यानी धन आप धन का फ्लो अक्टूबर में आपका अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बैंक में या इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ होगा, या तो बैंक में आपका पैसा बढ़ जाएगा या कुछ इंटरेस्ट आपको मिलेगा अक्टूबर के महीने में, या जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट SIP और किसी इन्वेस्टमेंट में कर रखा उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ किसी वस्तु के क्रय विक्रय से भी आपको अक्टूबर में धन लाभ होगा। तो तीन शुभ घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। अशुभ क्या हो रहा है भाई, आप भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं तो अपने सोने चांदी पे जरा ध्यान रखें, सोने चांदी की वस्तु आपकी गुम चोरी हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध है परिवार भाव से, यानी परिवार भाव के स्वामी बुध हैं और पूरे महीने कन्या यानी अपनी राशि में विचरण करेंगे, उसके बाद तुला राशि में विचरण करेंगे, दोनों ही बुध की शुभ राशियां हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार के साथ में रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। घर के अंदर कोई नया मेहमान आ सकता है। अब नया मेहमान भी दो किस्म के होते हैं, पहला कोई गाड़ी आ सकती है, क्योंकि गाड़ी को भी हम एक जीव ही मानते हैं, तो नया मेहमान आ सकता है, या फिर कोई जीव को आपके जी आप पाल सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में घर के अंदर बाथरूम या पाइप फिटिंग का काम भी आप करा सकते हैं, तो कुल मिला के परिवार भाव भी अच्छा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध मीन राशि वाले उनसे है जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है बड़ी है। पंचम भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं तो देखा जाए तो, लेकिन कर्क राशि में बैठे हैं यानी यहाँ कमजोर हो रहे हैं शुक्र, तो दो घटनाएं शुभ और एक घटनाएं अशुभ बनती है संतान पक्ष में। देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में अगर आपकी बड़ी संतान है, 17 से प्लस संतान है, तो संतान के करियर के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है। धन में वृद्धि हो रही है, पद में वृद्धि हो रही है, करियर में कुछ ना कुछ आपकी संतान एक्टिव रहने वाली है। अगर छोटी संतान है तो विद्या में एक्टिव रहने वाली है, यानी छोटी संतान के लिए भी अच्छा है। छोटी संतान को मामा मामी या नाना नानी की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, यानी छोटी संतान के तो भाई बल्ले बल्ले हो रहे हैं, अक्टूबर में कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है। बाकी जो बड़ी संतान है उनका नित्य संगीत कला के प्रति शौक जागृत होगा, कुछ ना कुछ ऐसा सीखने के योग नजर आ रहे हैं। और अशुभ घटना क्या हो रही है, अशुभ घटना का संबंध बड़ी संतान के साथ में जिसकी उम्र 17 प्लस है, तो कहीं ना कहीं संतान की कोई वस्तु चोरी या हानि हो सकती है अक्टूबर के महीने में, ये भी बन रहा है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध मीन राशि वाले विद्यार्थियों से हैं, तो विद्यार्थियों को अक्टूबर के महीने में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। जहाँ पर अक्टूबर के महीने में विद्या में आपका मन लगेगा, माता पिता आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, कोई डिमांड कोई वस्तु भी दिलाने वाले हैं माता पिता, और कहीं से आपको अचानक धन लाभ भी होगा, या तो शेयर ट्रेडिंग या जो आप करते हैं उससे आपको हल्का फुल्का धन लाभ भी स्टूडेंट को हो रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो बुरा क्या हो रहा है स्टूडेंट का, माता पिता से वाद विवाद भी रहेगा, यानी पहले वाद विवाद होगा उसके बाद माता पिता आपकी कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं।
छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना का संबंध उन लोगों से है जो मीन राशि वाले प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी भाव के स्वामी सूर्य बुध मंगल एक साथ बैठे हैं तीनों ग्रह, तो नौकरी पक्ष में अक्टूबर के महीने में दो घटनाएं शुभ और एक घटना अशुभ बनती है। देखा जाए तो क्या बनती है, तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो बॉस या सीनियर आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, आपको नया प्रोजेक्ट का सुझाव दे सकते हैं, या फिर आपको नया प्रोजेक्ट आपको अक्टूबर के महीने में मिल सकता है। आपकी पद धन वृद्धि हो सकती है, आपको आपकी रिकमेंडेशन किसी बड़ी पोस्ट के लिए कर सकते हैं, तो ये सब तो बढ़िया है। अशुभ क्या है, मित्रों से बड़े वाद विवाद रहेंगे, कलीग आपसे जलते सड़ते रहेंगे, आप पे टॉन्टिंग कसने वाले हैं आपके कलीग, यानी आप पे रोड़ा कटने वाले हैं, आपकी बुराइयां सीनियर पे करने वाले हैं, जो बात आप तक पता चलेगी फिर आप अपने मित्र पे गुस्सा करने वाले हैं, यानी मित्रों के साथ में आपकी सफलता उनसे सहन नहीं होगी और वो जलेंगे, यानी मित्रों से जबरदस्त वाद विवाद अक्टूबर के महीने में होने वाला है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी सूर्य बुध और मंगल तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, यानी अक्टूबर के महीने में दो घटनाएं शुभ और एक घटना अशुभ दाम्पत्य जीवन के अंदर होगी। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, जिसको हम लव कपल कहते हैं, या पति पत्नी हो, तो कहीं ना कहीं दो घटनाएं शुभ क्या हो रही हैं दोनों के जीवन में। पहला, सरकारी लाभ आपके पार्टनर को मिल सकता है, यानी सरकारी कहीं अप्लाई अगर पार्टनर ने किया है तो वो उनको उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, या सरकारी फंड मिल सकता है, या फिर जो पार्टनर ने शेयर या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है धन, उसका कुछ ना कुछ उनको लाभ मिलेगा, पहला योग। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर को कोई अवार्ड मिल सकता है, उनके काम में नया प्रोजेक्ट करियर में मिल सकता है, नया बड़ी पोस्ट उनको मिल सकती है, तो दो शुभ सूचना मिल रही है। अशुभ क्या है, अक्टूबर का महीना आपका पार्टनर का स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, रक्त विकार यानी ब्लड से संबंधित हल्की फुल्की डिजीज हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाके कुछ दिन दवाई भी लेनी पड़ सकती है, एलर्जी हो सकती है, तो कुल मिला के पार्टनर हेल्थ से थोड़ा परेशान रह सकता है। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो आठवीं घटना का संबंध उन लोगों से जो दुकान या अपना काम चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो गुरु चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं, यानी बृहस्पति यहाँ पर अक्टूबर के महीने में गज केसरी योग भी बना रहे हैं, गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं, तो दो घटनाएं शुभ एक घटना अशुभ व्यापारी लोगों के साथ में होने वाली है। अब दो घटना शुभ क्या, इसके बारे में चर्चा करें। पहला, आपके काम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, आप अक्टूबर के महीने में आपके मन में एक आइडिया आएगा, उस आइडिया को लेकर आप अपने काम में बड़े तब्दील करने वाले हैं, यानी एम्प्लॉय की जगह चेंज करने वाले हैं और अपनी सीटिंग चेंज करने वाले हैं, बड़ा उठा पटक आप काम में करने वाले हैं जिसका आपको लाभ नज़र आएगा। दूसरा देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में आपको बड़ा काम बड़ी डील भी मिल सकती है, तो काम में अच्छी खासी वृद्धि रहेगी अक्टूबर में। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि भाई सरकारी नोटिस आपको आ सकता है, उस पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है अक्टूबर के महीने में। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो बारहवें भाव में भाई आपके अक्टूबर के महीने में शनि बैठे हैं, तो देखा जाए तो आप अक्टूबर के महीने में किसी व्यक्ति को, किसी रिश्तेदार, किसी मित्र को देखने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं, यानी बारहवें शनि थोड़ा सा आपकी भागा दौड़ी अक्टूबर के महीने में बढ़ा सकते हैं। तो ये नौ घटना आपके जीवन में घटित हो रही है। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।